शाम को सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे डाउट्स नहीं पूछ सकते हो, ठीक है, तुम क्लास के बाद मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, वहां पे सॉल्यूशन दिया है, तुमने देखा है। सॉल्यूशन देने का एक रीजन ये होता है कि हो सकता है कि तुम जब डाउट पूछते हो तो काफी दिन के बाद मुझे, ठीक है, 2 दिन के बाद मैं कभी कभी सॉल्यूशन भेजता हूँ, तो कभी कभी इंस्टेंट भी भेज देता हूँ, तो तब वो एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है, सर इतना दिन के बाद दे रहे हैं, तो मैंने सॉल्यूशन दे दिया कि एक बार देख लो, ठीक है, तो अगर वहां से समझ में आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। तो जिस बैच में तुम लोगों ने एडमिशन लिया है, ये बैच बोर्ड प्लस एंट्रेंस का है, तो नॉर्मली क्या होगा कि मैं एक टॉपिक बोर्ड का पढ़ाऊंगा, फिर वो खत्म हो जाने के बाद एंट्रेंस का पढ़ाऊंगा, मगर प्रॉब्लम ये है कि लॉगरिथम टॉपिक जो है ये बोर्ड में नहीं है, बोर्ड जो है वो सेट से शुरू होता है, तो इसलिए मैं पहले लॉग करवा देना चाहता हूं और उसके बाद मैं सेट्स में जाऊंगा बोर्ड लेवल में, और फिर उसके बाद सेट्स एंड फंक्शंस जो चैप्टर है ये करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग फिर बोर्ड प्लस एंट्रेंस का ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे। फंक्शन का जो एंट्रेंस लेवल है वो हम लोग क्लास 12th में देखते हैं। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। किसी का स्कूल शुरू हो गया है क्या, तुम लोग इस बैच में किसी का स्कूल शुरू हुआ है अभी तक? यस सर। कौन सा स्कूल? दिल्ली पब्लिक स्कूल गुवाहाटी। क्या चल रहा है तुम लोग का अभी? अच्छा, तो अगर किसी को सेट्स करना है और स्कूल अगर शुरू हो गया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 2 वीक के बाद मैं शुरू करूंगा, जिनका शुरू नहीं हुआ है स्कूल अभी, उन्हें करने का जरूरत नहीं है। मेरा और एक बैच चलता है, वो बोर्ड बैच है, वो कल 5 बजे से शुरू करूंगा। हाँ, तो मैं एक बार मैसेज भेज दूंगा, बाकियों को देखने का एकदम जरूरत नहीं है रे। अगर स्कूल में हो गया है और तुम्हें अगर समझ में कहीं पे डाउट हो रहा है वो टॉपिक में, तो कल 5 बजे वाले क्लास को अटेंड कर सकते हो ऑनलाइन, तो वहां पे मैं सेट्स करवाऊंगा, इस बैच में भी करवाऊंगा लॉग खत्म होने के बाद। तो चलो, तो शुरू करते हैं लॉग। तो लॉग आया कैसे? देखो, मुझे ना लॉग फिजिक्स या केमिस्ट्री में जो यूज होता है, मुझे यहाँ पे लॉग का वो यूज नहीं चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री का मतलब है कि जब कंप्यूटर्स नहीं थे, जब कैलकुलेटर्स नहीं थे, तो लॉग कैलकुलेशन को आसान करता था, मगर मुझे वो वाला एस्पेक्ट चाहिए ही नहीं। मुझे कौन सा चाहिए? मुझे लॉग एज एन एल्जेब्रिक फंक्शन चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तुम्हारे पास कुछ चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही लॉग एज एन एल्जेब्रिक फंक्शन बहुत सुंदर सुंदर प्रॉपर्टी डिस्प्ले करता है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर हमें सम सॉल्व करना है। तो सर, लॉग का फिजिकल यूज क्या है? तो अब देखो क्या होता है कि जैसे तुम लोगों ने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा, तब तुम्हें पता चला कि हाँ ये इसका एक फिजिकल यूज है। वैसे ही तुम्हें पहले लॉग सीखना होगा, तभी उसका फिजिकल यूज तुम सीख पाओगे। तो लॉग आता कहां से है? मैथमेटिकली। सुनने में आ रहा है? ठीक है, बीच बीच में कभी कभी कनेक्शन कट जाता है मेरा, तो इसलिए मैं पूछूंगा, सुनने में आ रहा है या नहीं। तो चलो, तो लॉग का जो डेफिनेशन है वो ऐसा होता है कि वो इनवर्स ऑफ, मतलब उल्टा है, उसे इनवर्स कहते हैं, वो इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल है, ये इसका डेफिनेशन है। सर मतलब बताता हूं कि अगर a टू डी पावर x का वैल्यू b है, तो x जो चीज अभी आसमान में है उसे अगर तुम जमीन में लाओगे तो ये लॉग b बेस a हो जाएगा, ये इसका डेफिनेशन है, शुरुआत यहीं से होता है, ये इसका डेफिनेशन है। मतलब तुम जानते हो कि 5q 125 होता है, तो क्या लिखोगे? हल्ला होगा, कोई चिंता नहीं है, 3 का वैल्यू क्या होगा तब? कंपेयर करके देखो, ये डेफिनेशन है, मैं फिर से कह रहा हूं, यहीं से शुरू होगा चीजें। 3 का वैल्यू तब क्या होगा? इसे बोलोगे क्या? इसे लॉग बी बेस ए बोलते हैं, तो यहां से तब ये 125 है, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग 125 बेस 5। चीजों को तुम कभी कभी उल्टा भी देख सकते हो, उसको मैं रिवर्स डेफिनेशन कहता हूं। रिवर्स डेफिनेशन मतलब अगर लॉग ए बी का वैल्यू एक्स है, ध्यान से देखो, लॉग बी बेस ए का वैल्यू अगर एक्स है तो बी का वैल्यू ए टू द पावर एक्स होगा, ये उल्टा है, इसे मैं रिवर्स डेफिनेशन कहता हूं।
तो जैसे अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि तुम मुझे log 2/8 का वैल्यू बोलो क्या हो, तो अगर तुम log 2/8 को x ले लोगे तो डेफिनेशन से क्या होगा बोलो। इस डेफिनेशन को समझो, log b a x होने से b का वैल्यू बेस a है तो a टू दी पावर x हो जाता है। तो अगर मैं log 2/8 को x ले लूं तो 8 क्या होगा, कंपेयर करने से तो वही सीखना है। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, भी पूछना है तो पूछ सकते हो। एक मटेरियल असाइनमेंट से एक, ठीक है, एक स्टडी नोट्स मैं दे गया है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं स्टडी नोट्स का जीरोक्स कॉपी मेरे इंस्टीट्यूट से कलेक्ट कर सकते हो। एक मिनट का एक टाइम दे रहा हूं, किसी को कुछ भी पूछने का मन है पूछ सकते हो। यहां तक समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। पूछने में नहीं शर्माओगे, कहीं भी डाउट है तो वो तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। आगे चलूं मैं? सर एक सेकंड सर, ठीक है। हो गया, ठीक है, 2 मिनट रुको। चलो तो अगर मैं तुमसे कभी पूछूं log 625 और 125 क्या होता है तो एक बार निकालोगे? दे रहा हूं, log 625 125 क्या होता है? क्या करोगे? लेट log 625 125 को x ले लोगे। सर 3/4 है क्या? थ्री बाई फोर होगा। सबको 5 के पावर में चेंज करो, 125 को क्या लिख सकते हो तब? अब सर कंपेयर कैसे करें? कंपेयर कैसे करें मतलब 125 और 625 में एक चीज होता है ना, दोनों 5 के पावर में आता है, तो मतलब ये 5 क्यूब इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 4 टू दी पावर x, तो क्या मिला? 5 क्यूब इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 4 x, तो कंपेयर करोगे तो क्या मिला? समझ में आया क्यों? मैं देखो यार ये सब छोटे छोटे एक्सपोनेंशियल के सी, पहला अब तुम्हें थोड़ा सा समझ में आया होगा कि पहला गुड इवनिंग प्रॉब्लम क्यों एक्सपोनेंशियल में दिया गया था। अगर तुम्हें लॉग सीखना है तो तुम्हें एक्सपोनेंशियल के प्रॉपर्टी को समझना होगा, तभी तुम लॉग को सीख सकोगे, क्योंकि लॉग जो है वो एक्सपोनेंशियल का उल्टा होता है, इनवर्स होता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, 30 सेकंड्स दे रहा हूं, आगे चलूंगा।
अच्छा जब मैं लिखने के लिए बोलता हूँ तो बैठ के अगर व्हाट्सएप देखोगे तो मेरा क्लास में तुम्हें ज्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो समझने के लिए तुम्हें लिखना होगा, ठीक है, जब मैं तुम्हें बोलूंगा कि लिखो तो लिखना होगा। बैठ के अगर तुम व्हाट्सएप देख रहे होगे तो फिर उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं मेरे ख्याल में, मेरा क्लास करके। लाइव क्लास और रिकॉर्डिंग क्लास में यही एक अंतर होता है कि लाइव क्लास में तुम साथ में लिखते रहते हो, जब तुम साथ में लिखते हो तो तुम्हारे ब्रेन में चीजें आते रहता है। मगर स्टिल मैं कहूंगा कि सब लोग नहीं लिखोगे, there are some student majority नहीं बोलूंगा, those who will see WhatsApp जब मैं sums करवा रहा हूंगा, तो वो तो तुम्हारा ऊपर है तुम क्या करोगे, ठीक है, मगर थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे तो अच्छा है। सब लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है? दो बंदों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो दो बंदे कौन है मुझे नहीं पता है, ऐप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। माधुर्य शर्मा क्लास में है? माधुर्य शर्मा, मैं अटेंडेंस ले रहा हूं, यस या नो बोलोगे, सुनाई दे रहा है? हाँ, माधुर्य शर्मा, अटेंडेंस ले रहा हूं मैं, माधुर्य शर्मा। अभिनव बर्मन प्रेजेंट। पांसुल प्रेजेंट सर। हाँ ठीक है, मैं लेते रहूंगा, हाँ तो टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मैं एक सम बोलूंगा साथ में लेते हुए रहूंगा। तो चलो मैं अब आगे चलता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्यालों में ये चीज तुम्हें समझ में आया होगा तुम लोगों को, तो इसे रिवर्स डेफिनेशन कहते हैं। तो एक सम अब तुम लोग, क्योंकि ये सम में मुझे सब लोगों ने आंसर नहीं दिया था, तो इस वाले का वैल्यू निकालोगे, लॉग 1/3 9√3, इसे निकालो एक बार आराम से, टेक योर टाइम, 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। निकलने से मुझे बोलोगे क्या निकला आंसर? -2/3 देख लेता हूं एक बार। बाकी लोग कुछ हो रहा है क्या, कर रहे हो? = x, समझ में आ रहा है नहीं? तो क्या लिखोगे इसका मतलब, चुपचाप हो, क्या लिखोगे? 9√3 = क्या? तो सब किसके पावर में आएगा? सब थ्री के पावर में। तो ये क्या आया? थ्री के पावर में ये क्या हो जाएगा? ये थ्री, ये वाला 3² देगा, ये 3^1/2 देगा, और ये 3^-x देगा, तो 3^5/2 = 3^-x। तो कंपेयर करोगे तो -x का वैल्यू 5/2, तो x का वैल्यू कितना आया? -5/2। किसी को लिखना है तो लिख लो, 30 सेकंड्स दे रहा हूं। हल्ला थोड़ा कम हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा ज्यादा बंदे बोलेंगे आंसर तो मुझे अच्छा लगेगा। विशाल राज शर्मा प्रेजेंट सर। विश्वराज दे प्रेजेंट सर। हर्षित गोस्वामी प्रेजेंट। निमिषा बरुआ प्रेजेंट सर। दीपराज कश्यप प्रेजेंट सर। अस्मिता बोरा, चलो आगे चलते हैं, अस्मिता प्रेजेंट। चलो मगर एक प्रॉब्लम है, जैसे रूट ओवर हर समय डिफाइन नहीं होता है, तुम जानते हो ना, रूट ओवर एक्स को डिफाइन होने के लिए जरूरी है x का पॉजिटिव होना, मतलब तुम रूट ओवर ऑफ -3, ये रियल नहीं है, इट इज नॉट रियल। वैसे ही देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑफ log ab। log ab हर एक नंबर के लिए तुम नहीं निकाल सकते हो, वो रेस्ट्रिक्शन ये है
मैं ये जो बी है बी को मैं आर्गुमेंट देता हूं नाम, हाँ, और ए को मैं बेस बोलता हूं, हाँ, दो चीज होता है, आर्गुमेंट जिसके ऊपर लॉ काम कर रहा है और जिस बेस में काम कर रहा है वो ए को बेस कहता हूं। तो तीन कंडीशंस होते हैं, आर्गुमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, और बेस कभी भी वन नहीं हो सकता है। तो ये तीन को एक्चुअली में हम लोग डोमेन कहते हैं, मतलब जहां पे लॉग तुम निकाल सकते हो उसे, जैसे रूट एक्स का डोमेन होता है नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, वैसे ही लॉग बी बेस ए का डोमेन होता है बी का पॉजिटिव होना, ए का पॉजिटिव होना और बेस का वन नहीं होना। तो कई किताबों में तुम इसे डोमेन देखोगे, डोमेन को बहुत डिटेल में पढ़ोगे जब फंक्शंस कर रहे होगे बोर्ड लेवल में, अभी बस मैंने नाम दे दिया है, दैट इज नोन एज डोमेन ऑफ लॉग, कि कब कब लॉग डिफाइन है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं तो इसका मतलब है, क्या बोलते हो, क्या तुम लॉग हाफ ऑफ माइनस थ्री निकाल सकते हो, हाँ या ना? मतलब लॉग इज नॉट डिफाइंड, तुम लॉग ये गलत है, ये नॉन एग्जिस्ट करता है, जिसे तुम नॉन एग्जिस्ट बोलते हो मैथमेटिकली उसे नॉट डिफाइंड बोला जाता है। वैसे ही अगर मैं लिखूं लॉग वन और हंड्रेड, क्या ये डिफाइन होगा? क्या प्रॉब्लम है? बेस वन नहीं हो सकता है, तो दिस वन इज आल्सो नॉट डिफाइंड। तुम बोलो कि सर होता क्यों है? हाँ बोलो सर, फर्स्ट वाले में भी तो बेस रॉन्ग है ना, क्योंकि बेस तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। हाँ तो हाफ तो चलेगा ना, तू कंफ्यूज कर रही है, वन वन से छोटा हो सकता है बेस, जीरो से ही बनाना चाहिए, कंफ्यूज कर रही है तू वहां पे, ठीक है, समझ में आया? हाँ। तो सर ये होता क्यों है, ये होता क्यों है ना, कि ये प्रॉब्लम कहां पे है, देखो जब तुम लॉग ए बी को एक्स लेते हो ना, तो तुमने बी को ए टू दी बार एक्स लिखा था। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम ए को नेगेटिव कर दोगे तो एक्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए क्योंकि वो वैल्यू है, मुझे x माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले ले, मुझे वो कंडीशन चाहिए। तो सर नेगेटिव होने से क्या प्रॉब्लम है ना, देखो ना यहाँ पे अगर मैं a का वैल्यू माइनस वन दे दूं और b का वैल्यू x का वैल्यू वन बाय टू दे दूं, क्या इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, हाँ या ना? पुट अप करके देखो, अगर a को मैं माइनस वन दे दूं और x को हाफ दे दूं, तो मेरा ये जो इसका जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, माइनस वन टू दी पावर हाफ, मतलब रूट ऑवर ऑफ माइनस वन। ये एग्जिस्ट करेगा या डज नॉट एग्जिस्ट? मैं रियल नंबर में हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं हूँ मैं, डज नॉट। तो इस चीज को खत्म करने के लिए क्या किया गया, इस चीज को खत्म करने के लिए बोला गया ये नहीं हो सकता है, ए पॉजिटिव है, मगर अगर ए पॉजिटिव है तो बी ए टू दी पावर एक्स है, तो ए टू दी पावर एक्स भी तो पॉजिटिव ही होगा, तो इसका मतलब ए भी पॉजिटिव हो गया, ए टू दी पावर एक्स का मतलब बी भी पॉजिटिव हो गया। अब तुम बोलो कि सर ये वन वाला प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, नहीं ये वन वाला प्रॉब्लम अभी समझ में आएगा भी नहीं, जब मैं फंक्शन बताऊंगा तब। रिलेशन एंड फंक्शन दो चीज होता है, लॉग एक फंक्शन है, वन डालने से एक प्रॉब्लम है, वन का कोई भी पावर लोगे तो वो यूनिक नहीं होता है, वन का हर एक पावर तुम्हें सेम वैल्यू देगा। अगर तुम ए को वन ले लोगे तो प्रॉब्लम है, वन टू द पावर एक्स इज ऑलवेज वन इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्स, इसे मैं इसलिए मैं इस वाले में ज्यादा भी नहीं जा रहा हूं, जब मैं फंक्शन में जाऊंगा मैं दोबारा इस चीज को समझाऊंगा तुम लोगों को इस बैच में, हाँ कि वो क्यों नहीं हो सकता है। तो अभी तुम लोग को ये नीचे वाला लिखने का जरूरत नहीं है, ये लिख लो, ऊपर हेडिंग दे सकते हो डोमेन ऑफ लॉग, डोमेन लॉग कहाँ कहाँ डिफाइन है। तो अब मुझे एक बार बोलोगे कहाँ कहाँ डिफाइन है लॉग, क्या क्या है, बेस किससे बड़ा? बेस वन जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा, और लिखो भूमन। यस सर। प्रज्ञान।
तरीका रुक जा दोबारा ना का, मेरा ये हैंग हो गया ये कहां से। सर माधुर्या सब लोग तो प्रेजेंट ही थे, माधुर्या अभिनव पौसल विशाल राज प्रेजेंट था, विश्वराज प्रेजेंट था, हर्षित निमिषा दीपराज अस्मिता भूमन प्रेजेंट है, प्रज्ञान गोस्वामी प्रज्ञान निहारिका प्रेजेंट सर, रिमली प्रेजेंट सर, सर वो ऊपर वाला दिखाएंगे सर, वो क्या हुआ और तरीका सॉरी मैं 15 मिनट 10 मिनट 10 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, लिख लो। माधुर्या मोहन से क्या प्रेजेंट सर, ठीक है आज स्टार्टिंग में ले रहा हूँ अटेंडेंस, मगर बीए में बीच बीच में लेते रहूंगा, हाँ एक घंटे में कभी दो घंटे के बीच, ठीक है चलो, मगर आज एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन है, हाँ और पता भी चल जाए सबको। हाँ अद्रिका मंदर, उसने तो डाउट ही पूछा था, धृतिराज प्रियांशु भाट्य बागची यस सर, देवरथा चक्रवर्ती प्रेजेंट सर, अभिज्ञान गौरव दास प्रेजेंट सर, अभिजीत तालुकदार प्रेजेंट सर, अक्षत सिंगल प्रेजेंट सर, धीमान प्रेजेंट सर, निशित प्रेजेंट सर, नीलभ प्रेजेंट सर, अर्षिता दीवान प्रेजेंट सर, विधि झा प्रेजेंट सर, आगे चलता हूं ठीक है, कहीं भी डाउट है तो पूछोगे रे, फिर जो किसी किसी के लिए पहला क्लास होगा, मगर बाकी लोग ऑलरेडी मेरा दो क्लास कर चुके हो, हाँ तो मैं नया नहीं हूं तुम लोगों के लिए, हाँ मैं नया नहीं हूं तुम लोगों के लिए, तो अब कभी कभी तुम्हें लॉग इक्वेशन सॉल्व करना होगा। अब लॉग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं बोलूंगा तुम्हें कि तुम सॉल्व करो लॉग 2 ए स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 2, तो रिवर्स डेफिनेशन से ए स्क्वायर माइनस 5 क्या हो जाएगा, हम क्या जानते हैं लॉग ए बी एक्स होने से बी का वैल्यू क्या था ए टू द पावर एक्स, तो यहां पे तो आर्गुमेंट ए स्क्वायर माइनस 5 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अरे इतना शांति होने से अच्छा थोड़ी ना लगता है, तो इसका मतलब a square is equal to 9, तो a का वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस 3। अब एक बार a square 9 पॉसिबल है यानी ये क्रॉस चेक करना जरूरी है रे, क्योंकि वो उसके डोमेन में लाई करता है या नहीं, तो जब तुम a square को 9 डालोगे तो a square माइनस 5 आर्गुमेंट जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बस अगर a square 9 है तो ये वाला आर्गुमेंट पॉजिटिव हो रहा है फॉर ए स्क्वायर इक्वल टू 9, तो ये पॉसिबल है मतलब, तो हेंस दोनों सॉल्यूशन पॉसिबल है प्लस बी और माइनस बी। तुम बोलोगे सर ए नेगेटिव हो गया, आर्गुमेंट नेगेटिव है, आर्गुमेंट ए है या ए स्क्वायर माइनस 5 है, आर्गुमेंट ए स्क्वायर माइनस 5 है आर्गुमेंट, ए स्क्वायर माइनस 5, तुम ए को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं देखोगे, ए स्क्वायर माइनस 5 को देखोगे, ए नेगेटिव हो सकता है, ठीक है किसी को लिखना है तो लिख लो फिर नेक्स्ट समझाऊंगा। आगे चलो चलो सॉल्व खुद करोगे, लॉग 5 माइनस एक्स
एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 65 इज इक्वल टू टू, सॉल्व करो तो एक्स का क्या वैल्यू निकला? घबरा मत, जो लोग को डाउट हो रहा है, लॉग ए बी एक्स होने से बी को तुम ए टू डी पावर एक्स लिखते हो, यहां पे रेड कलर वाला आर्गुमेंट है और ब्लू कलर वाला बेस है, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर नेटवर्क खराब है तो चिंता मत करो, रिकॉर्डिंग क्लास खत्म होने के बाद तुम्हें रात के 9-10 बजे तक मिल जाएगा। सर माइनस फाइव तो क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 65 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्स का क्या? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 65 का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5x। एक्स स्क्वायर को कैंसिल करो तो थ्राइस एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 10x। तो 12x, तो 8x, तो 8x इज इक्वल टू माइनस 5, तरीका माइनस 40, तो x इज इक्वल टू कितना? माइनस 5। अब माइनस 5 में क्रॉस चेक करके देखो, बस दिमाग में क्रॉस चेक कर सकते हो, माइनस 5 में ये वाला टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जब x माइनस 5 है तो बेस पॉजिटिव है, और माइनस 5 में ये वाला टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आर्गुमेंट 25 प्लस 65 पॉजिटिव है, तो आर्गुमेंट भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, मतलब चलेगा। तो इसलिए जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस 5। किसी का अगर नहीं हुआ है तो लिखने के लिए टाइम दे रहा हूँ 30 सेकंड्स का, और कुछ पूछना है तो पूछो मुझसे, मैं फिर से कह रहा हूँ, कुछ पूछना है तो पूछो मुझसे। आगे चलो सर, लॉग x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अगर किसी का स्कूल शुरू हो गया और सेट थ्योरी चल रहा है तो सेट थ्योरी पॉसिबली मैं 2 वीक के बाद इस बैच में शुरू करूंगा, तो वो स्टूडेंट्स कल रात के कल इवनिंग 5 बजे वाले बैच को ज्वाइन कर लेंगे। बाकी स्टूडेंट्स जिनका अभी स्कूल शुरू होने वाला नहीं है, अननेसेसरी सेट के बारे में चिंता नहीं करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस बैच में नहीं कराऊंगा, मगर क्योंकि ये बोर्ड प्लस एंट्रेंस बैच है, इसलिए मैं पहले एंट्रेंस का एक टॉपिक कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को गुड इवनिंग प्रॉब्लम, मतलब उस कॉन्टिन्यूटी को मैं एक बार मेंटेन करना चाहता हूँ कि तुम्हें वो पता चले कि तुम्हें किस लेवल में सोचना है, फिर उसके बाद जब बोर्ड लेवल पढ़ाऊंगा तो वो हर समय आसान होगा, ठीक है? तो चलो, तो यहाँ पे निकालते हैं, क्या आया तब? किसी ने निकाला आंसर क्या? थ्री होगा, थ्री होगा। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स थ्री। तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अगर 4 है तो एक्स माइनस वन का वैल्यू 2 आएगा, या तो 2 या तो माइनस 2। तब एक्स का वैल्यू 2 + 1 = 3 आएगा, या एक्स का वैल्यू -1 आएगा। अब 3 डाल के देखो, आर्गुमेंट कहां, वेरिएबल तो केवल बेस में है, 3 डाल के देखो क्या एक्स माइनस वन डिफाइन हो रहा है? सर हो रहा है, पॉजिटिव है, तो ये इसमें डाल के देखो क्या ये पॉजिटिव है? हाँ, बेस पॉजिटिव, तो ये पॉसिबल है। माइनस वन डाल के देखो क्या हो रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव। माइनस वन को जब तुम बेस में डालोगे एक्स माइनस वन में, तो ये -2 आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये पॉसिबल नहीं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स इक्वल टू 3। किसी को डाउट है तो बोलेगा, मैं आगे चल रहा हूं। ओ, रुक जाओ, टाइमर दिया ना, भूल गया था, 30 सेकंड्स का टाइमर दे रहा हूं। आगे चलूं? Yes, sir. Yes.
problem. Solve. Log 3, 3 to the power x. 3 to the power x minus 8 is equal to 2 minus x. Log 3, 3 to the power x minus 8 is equal to 2 minus x. तो जब रिवर्स डेफिनेशन लगाओगे तो क्या हो गया था इसका मतलब 3 टू दी पावर एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर क्या 2 माइनस एक्स मतलब 3 टू दी पावर एक्स माइनस 8 को क्या लिख सकते हो तब 3 स्क्वायर बाय 3 टू दी पावर एक्स मेरे ख्याल में सॉल्विंग एल्जेब्रिक इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था क्या करते थे ऐसे में कोई बोलेगा सर 3x को a लेना है 3x को कुछ ले लेते हैं क्योंकि 3x दोनों में आ रहा है सॉल्व करने में आसानी होगा लेट 3 टू दी पावर एक्स को ए ले लेता हूं तो इससे 1 कैसा दिखेगा तब ए माइनस 8 इज इक्वल टू 9 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस 8 माइनस 9 सॉल्व करोगे तो ए माइनस 9 इंटू ए प्लस 1 इक्वल टू 0 तो इसके दो वैल्यूज होंगे क्या आइडर ए इज इक्वल टू 9 और ए इज इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 9 का मतलब क्या हुआ 3 टू दी पावर एक्स का वैल्यू 9 अब 3 टू दी पावर एक्स जब 9 है तो ऊपर में दोबारा अब मुंह जवानी देखूंगा रे 3 टू दी पावर एक्स अगर 9 है तो 3 टू दी पावर माइनस 1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा अगर 3 टू दी पावर एक्स का वैल्यू 9 है तो 9 माइनस 1 तो पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है तुम डायरेक्टली बोलोगे एक्स इज इक्वल टू 2 और ये पॉसिबल है मैं बार बार वो नहीं देख रहा हूं पर हाँ सिंगल स्क्रीन में यही एक प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन में और या तो 3 टू दी पावर एक्स माइनस 1 हो सकता है क्या हाँ या ना 3 टू दी पावर एक्स कभी भी नेगेटिव होगा किसी को डाउट है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा तो हेंस देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 हाँ मैंने एक एग्जामिनेशन का बात बोला था उस दिन फिर मगर मुझे लगा कि पहले कुछ क्लास ले लूँ हाँ जरा किसी का मार्क्स कम आ जाएगा तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा तो इसलिए पहले कुछ क्लास ले लूँ हाँ तो इसलिए मैंने वो एग्जामिनेशन उस फिर नहीं लिया कि जो बंदे कर रहे हैं उनके लिए ठीक है मगर स्टार्टिंग में ही मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं चलो इसलिए चलो लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलेंगे लंबा समय एक मिनट का टाइम दे रहा हूं लिखोगे मैं फिर से कह रहा हूं लिखोगे नहीं सर लिखने का मन नहीं है सर बैठ के व्हाट्सएप देखेंगे बर्बाद बर्बाद मुझे नहीं मालूम है कि मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा आगे चलो टाइम है सॉरी पूरा टाइम दिया नहीं लिख आगे चलो क्या कोई लिख रहा है ठीक है चलो तो आगे चलता हूं solve log 2 9 minus 2 to the power x whole divided by 3 minus x is equal to 1 ये solve करना है तो यहां क्या किया जाए तुम बोलो कि सर क्या किया जाए पहले डिनोमिनेटर में जो चीज है उसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये अभी वो फॉर्म में अभी है नहीं जो फॉर्म आप सिखा रहे थे जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 3 माइनस एक्स हो जाता है तब रिवर्स डेफिनेशन से क्या होगा तब 9 माइनस 2 टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 2 टू दी पावर कितना 3 माइनस एक्स ये ही सम तो अभी तुम लोगों ने सॉल्व किया था क्या था यानी थोड़ी देर पहले यही चीज तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था 2 टू दी पावर एक्स को टी ले लेते हैं एग्जैक्टली सेम सम था
9 माइनस टी इज इक्वल टू 8 बाई टी, समझ में आ रहा है? बड़े स्क्रीन में देखोगे, बड़े स्क्रीन में, अगर घर में ऑप्शन है बड़े स्क्रीन का तो बड़े स्क्रीन में देखोगे। मोबाइल में जब देखते हो तो एक व्हाट्सएप में मैसेज आता है, वो तुम्हारा कंफ्यूजन और कंसंट्रेशन दोनों को बढ़ाता है। t इज इक्वल टू 8 और t इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां पे क्या समझाऊं जो मैंने इससे पहले किया था, t का मतलब क्या है? तो 2 टू द पावर x का वैल्यू 8 है, 2 टू द पावर x का वैल्यू 1 है। अब मुझे एक चीज बोलोगे, क्या 2 टू द पावर x 1 हो सकता है? क्वेश्चन ये है, हाँ या ना? सर x इक्वल टू 0, हां 0 पॉसिबल है, पॉसिबल है, क्योंकि 9 माइनस 2 टू द पावर x पॉजिटिव हो रहा है। ये जब तुम 2 टू द पावर x 1 डाल रहे हो तो ये पॉजिटिव हो रहा है, तो ये पॉसिबल है। तो x इज इक्वल टू 0, 2 टू द पावर x है तो x का वैल्यू क्या? 3। अब मैं कह रहा हूं कि मैं ऊपर जा रहा हूं, इसमें 3 डाल के देखो कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, x का वैल्यू 3 डाल के देखो कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, केवल जीरो हो रहा है, केवल लॉग में नहीं, केवल लॉग में नहीं, डिनोमिनेटर भी साथ में देखोगे ना रे, लॉग में प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ तो प्रॉब्लम हो गया ना। 1090 नॉट डिफाइन लिखते हो, तो इसका मतलब है कि जब तुम x इक्वल टू 3 डाल रहे हो तो अगर मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि डिनोमिनेटर ऑफ 1 जीरो, डिनोमिनेटर ऑफ 1 जो है वो 0 हो जाता है और वो पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। तो हेंस देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, x इक्वल टू 0। तो डोमेन में, ठीक है, केवल डोमेन नहीं देखना होगा तुम्हें, पूरा का फंक्शन का डोमेन देखना होगा, और लॉग का डोमेन देखने से नहीं होगा। मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, तुम लोग बोलते जाओगे, मैं सरकाते सरकाते ऊपर लेके चले जाऊंगा, लिखना है तो लिखो, मुझे बोलोगे सर ऊपर कर दीजिए मैं, अच्छा तुम्हें अब मैं सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, मैं ये भी बोल रहा हूं रे, तुम लोग चीजों को थोड़ा छोटा करके लिख सकते हो, तुम लोग अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो डायरेक्टली यहां से लेके ये लिख सकते हो, ठीक है, या डायरेक्टली अगर समझ में आ गया है इसके बाद डायरेक्टली नीचे का सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, हां इसमें पंगा नहीं है, मगर एटलीस्ट स्क्रबल करोगे, हाँ पेन को चलाओगे, पेन को चलाओगे, डाटा को केवल चलाने से दिमाग में कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑनलाइन क्लास होता ही इसीलिए है, ठीक है, मैं रिकॉर्डेड क्लास से ज्यादा ऑनलाइन क्लास को इसीलिए ही इंपॉर्टेंस देता हूं। हाँ मगर एक प्रॉब्लम है, ऑनलाइन क्लास चीजों को थोड़ा सा स्लो कर देता है, इसलिए इस साल से एक नया चीज किया जा रहा है। जैसे मैंने अभी ऑनलाइन क्लास किया, तुम लोगों को कल इसका एक टॉपअप वीडियो मिलेगा, मतलब थ्योरी सब ऑनलाइन क्लास में होगा, मगर कुछ और डिफिकल्ट सम्स इसी टाइप के मैं टॉपअप वीडियो में कर दूंगा, वो तुम जैसे तुम्हें टाइम मिलेगा तुम टाइम निकाल के देख लोगे। उसमें टू बी सबमिटेड सीट एक रहता है, जो बदले लोग वो देखेंगे, करके सबमिट सीट कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं मैंडेटरी मैं नहीं बना रहा हूं उसे, मगर करोगे तो मैथमेटिक्स के गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम्स को करने में तुम्हें आसानी होगा। पास्ट ईयर आर्काइव जब उठाओगे, पास्ट ईयर जेई के सम्स को उठाओगे, पास्ट ईयर आईसर के सम्स को उठाओगे, जो भी ऐसे करके उठाओगे तो रिलेटिवली इजी होगा तुम्हें वहां से बनाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि तुम्हें, तुम लिखोगे मैं पढ़ाऊंगा, कोर्स थोड़ा स्लो हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया जाता है और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित कुछ टफर सम्स को मैं वहां पे करवाऊंगा, उसे टॉपअप वीडियोस में कहूंगा। चलो किसी को लिखना है तो लिख लो। सर लाइन नंबर 25 में डी का मतलब क्या है? लाइन नंबर डिनोमिनेटर, ठीक है, आगे चलो। yes, sir. चलो अब मैं प्रॉपर्टीज में आ रहा हूं, हाँ ठीक है, अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज में आ रहा हूं जिससे चीजें कभी कभी थोड़ा आसान हो जाएगा। प्रॉपर्टीज मैं चार ब्लॉक में प्रॉपर्टी दूंगा, तुम कह सकते हो ये ब्लॉक वन है, हाँ ब्लॉक वन फर्स्ट ब्लॉक की प्रॉपर्टीज। लॉग ए का वैल्यू क्या होगा? अगर मैं लॉग ए को एक्स ले लूं तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा? ए टू डी पावर एक्स, तो कंपेयर करके क्या बोलोगे एक्स का वैल्यू क्या आएगा? वन सर, वन,
ठीक है। तो इसीलिए यहां से अब मैं सबको प्रूफ नहीं कर रहा हूं ना, इस टाइप से तुम लोग चीजों को निकाल सकते हो। तो इसलिए प्रॉपर्टी नंबर वन 1.1 प्रॉपर्टी नंबर, इतना ज्यादा लिखने से ज्यादा फॉर्मल हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर वन लॉग ए, ए का वैल्यू वन है। प्रॉपर्टी नंबर टू लॉग ए वन, मतलब अगर आर्गुमेंट वन है तो मैं इसे लॉग ए वन बोलता हूं ना, मगर इसे अगर तुम सही मायने में बोलोगे तो लॉग वन बेस ए बोलोगे, इतना लंबा वर्ड बोलने का मन नहीं होता, लॉग ए वन। हाँ, लॉग ए वन का वैल्यू हर समय जीरो होता है। प्रॉपर्टी नंबर थ्री, मैं जितना भी अभी ए बी सी ले रहा हूं सब मेरे लिए पॉजिटिव है, हाँ कोई भी चीज नेगेटिव नहीं है, जितने भी मैं वेरिएबल्स ले रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर थ्री तुम्हें कहता है कि लॉग ए बी का अगर कोई पावर है, बड़ा सुंदर प्रॉपर्टी है, ये पावर जो है ये बाहर आ जाता है, मतलब एम लॉग ए बी होता है। प्रूफ दूंगा, घबराओ मत, ये प्रॉपर्टी बाहर आके ये हो जाता है। मतलब अगर अब मैं तुमसे कभी पूछूं कि लॉग 381 कितना होता है, तो इसे तुम क्या लिख सकते हो, लॉग 381 को 3^4 लिख सकते हो। और मैंने क्या बोला, ये जो m है ये बाहर आ जाता है, तो यहां पे बाहर क्या आएगा, 4। एकदम बोलो, हाँ अरे बोलो, बोलने से आवाज सुन के ही अच्छा लगेगा। 4 के साथ तुम्हें मिलेगा log 3, 3, मगर क्या log 3, 3 का कोई फॉर्मूला दिया था, देखो सर 1, 1, तो इसलिए ये 4 × 1 = क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब तुम्हें ये वाले प्रॉपर्टीज याद रखने से क्या होगा कि तुम्हें अब ऊपर में रिवर्स डेफिनेशन नहीं लगाने से भी होगा, डायरेक्टली तुम अब आंसर बोल पाओगे मुझे। तो ये इसका एक एग्जांपल था सर, मगर प्रूफ बताऊंगा, जगह नहीं है मेरे पास, यहां तक लिखना है तो लिख लो, 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। तो क्या मालूम चला, लॉग ए बेस ए वन होता है, लॉग वन बेस ए जीरो होता है, और लॉग ए बी टू डी पावर एम होने से एम बाहर आ जाता है और वो लॉग बी बेस ए हो जाता है। चलूं आगे? हाँ सर। चलो, तो इसका प्रूफ चाहिए, प्रूफ दैट लॉग ए बी टू दी पावर एम इज इक्वल टू एम इनटू लॉग ए बी। प्रूफ हर समय रिवर्स डेफिनेशन से होता है, 90% ऑफ द प्रूफ जो होते हैं वो रिवर्स डेफिनेशन से आते हैं। तो लेट लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है लॉग ए बी टू दी पावर एम, इसको मैं एक्स ले लेता हूं, तो रिवर्स डेफिनेशन से बी टू दी पावर एम कैसा दिखेगा, ए टू दी पावर एक्स। ये तो जानते हो ना, ए क्यूब अगर सपोज ए क्यूब अगर सी है तो ए का वैल्यू क्या हो जाता था, सी टू दी पावर कितना, 1/3 से उल्टा 1/3 हो जाएगा। तो m अगर इस साइड आएगा तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब a x x by, तो अगर a x by m b है तो log का डेफिनेशन क्या था, याद है, अगर a to the power x का वैल्यू b है तो x का वैल्यू क्या था, log b base a। तो उसी लॉजिक से अगर a x by m का वैल्यू b है तो x by m का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब log b base a, log b base a। किसी को डाउट है तो बोलोगे, हाँ ये बाय डेफिनेशन से है और ये बाय रिवर्स डेफिनेशन से है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये बस मैं बताते जा रहा हूं। तो इससे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर m इस साइड लेके आ जाओगे तो तुम बोलोगे सर बेवकूफ समझते हो, डायरेक्टली लिखिए ना, क्यों बोर कर रहे हो, m log a b। अगर ये नंबर वन है तो यहां पे x है, अगर ये नंबर टू है तो यहां पे एक्स है, तो वन और टू से क्या बोल सकते हो, तो
1 and 2 क्या बोल सकते हो? log b n base a log, क्योंकि x x सेम है तो log a b to the power m is equal to क्या m into कितना log a a to log a b. मैं सबको प्रूफ नहीं करूंगा रे, मैं फिर से कह रहा हूँ हाँ, क्योंकि रिवर्स डेफिनेशन से होता है, कोई नया बात नहीं है. लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे. कहीं डाउट है तो बोलोगे, आराम से लिखो. डेढ़ मिनट का टाइम दे रहा हूँ हाँ, क्योंकि पहला प्रॉपर्टी का प्रूफ है. समझो, लिखो. नेक्स्ट क्लास से अगर घर में लैपटॉप है, घर में अगर बड़ा स्क्रीन है, तो बड़े स्क्रीन में देखने का कोशिश करोगे, क्योंकि उसमें दो चीज बड़े आसानी से होता है. एक तो म्यूट बड़े आसानी से कर सकते हो, एक माउस नाम का चीज होता है, तुम्हें पता होगा. माउस को छुओगे म्यूट हो जाओगे, माउस को छुओगे लाउडस्पीकर ऑन हो जाता है. हालांकि हर कोई नहीं करेगा, मैं जानता हूं, ठीक है. हम लोग बस ऐसे ही बकते रहते हैं, ठीक है. बड़े स्क्रीन में जब देखोगे तो आंख का आंख तुम्हारा दर्द नहीं करेगा, चीजों को लिखने में आसानी होता है, दिखता अच्छी तरीके से है. और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, व्हाट्सएप नहीं होता है वहां पे. तो अभी जो किसी एक स्टूडेंट ने तुम्हें जोक भेजा है कि हस्बैंड मोमबत्ती नहीं बुझा पा रहा था क्योंकि उसने मास्क पहना है, वो जोक तुम नहीं पढ़ोगे. दो घंटे तक मैथ्स करते रहोगे और वो ज्यादा बेटर है. वरना तुम लोगों में से कोई अभी वो जोक को पढ़ रहा होगा तो खेला वहीं पे खत्म हो जाएगा. आगे चलते हैं, और टाइम है थोड़ा सा. चलूं आगे? Yes, sir. ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं दोबारा हाँ. पावर प्रॉपर्टी, तो पावर प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पहला अभी एक पावर प्रॉपर्टी देखा कि log a अगर b टू द पावर m है, या एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी बोलूं तो ये ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा. एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी तो इसमें m बाहर आ जाता था, ये log a b हो जाता था, a और b मेरा पॉजिटिव. सेम लॉजिक से कभी अगर log a का पावर में n है, तो अब n जो है वो बेस में है हाँ, तो बाहर n नहीं आएगा, बाहर 1 by n आएगा. तुम बोलोगे सर प्रूफ नहीं दूंगा. सर क्यों? खुद करोगे, जस्ट ऊपर जो मैंने किया था ट्राई करके देखना एक बार. तो अगर ये केस है तो नंबर तीसरे वाले का आंसर क्या होगा बोलो. log a का पावर n है और b का पावर m है, तो क्या हो जाएगा? ये मतलब अब क्या होगा ना, कि जैसे अभी थोड़े पहले मैंने एक सम करवाया था, तुम्हें याद होगा log 125 और 625, तो अब तुम इसे डायरेक्टली कर सकते हो. 125 और 625 दोनों ही 5 के पावर में आता है, ये 5 क्यूब होता है और ये 5 टू द पावर 4 होता है, तो बाहर क्या आएगा? 4/3 और क्या हो जाएगा तब? log 55, log 55 का वैल्यू क्या होगा? 1. तो इसलिए आंसर क्या आया? 4/3. तो समझ में आया, तो जो मैंने इससे पहले किया था, अब तुम इसे ऐसे कर सकते हो. लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे. दो मिनट रुको. तो यू विल गेट टॉप अप प्रॉब्लम दैट विल बी द पार्ट ऑफ द वो हमारा पार्ट ऑफ द ये होगा. क्योंकि देखो क्या होगा कि यहाँ पे मैं अगर तुमसे कुछ सम्स करवाऊं तो श्योर शॉर्ट कोर्स थोड़ा स्लो होगा,
और कोर्स भी स्लो नहीं चाहिए हमें, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे ऐसा लगा था कि हम लोग का कोर्स थोड़ा स्लो हो गया था, और अब क्या कब ऑनलाइन से ऑफलाइन होगा कहना मुश्किल है। तो इसीलिए तो इस साल मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास टू आगे चलो, ये तो लिख लिया होगा, इस साल मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में क्या बोलते हैं एंट्रेंस वाले बैच में और बोर्ड वाले बैच में भी दूंगा ये टॉप अप सीट नाम का चीज एक दूंगा। चलो शुरू करो, आंसर बोलो, विजिबल है, सुनने में आ रहा है? यस सर। चलो तो ठीक है, करो ये तब। आवाज कट रहा है क्या? नो सर। ठीक है चलो तो शुरू करो, टेक योर टाइम, चार मिनट है आराम से, चार मिनट का सम नहीं है मगर मैं दे दे रहा हूँ, चार मिनट तीन मिनट दे दे रहा हूँ। पहले वाले का आंसर बोलो, दूसरे वाले का आंसर बोलो, तीसरे वाले का, चौथे वाले का, फिर पहला, या चलो एक एक करके करते हैं वो ज्यादा बेटर है। पहले वाले का आंसर बोलो, एक मिनट दे रहा हूँ, कर लूंगा मैं। मुझे एक मिनट के बाद आंसर बोलना, अगर आ गया है तो सेकंड में चले जाओ, हाँ क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं। हाँ एक बंदा आंसर बोलेगा, बाकी लोग को लगने लगता है कि अरे मुझसे नहीं हुआ, मुझसे नहीं पहले वाला 6/5। रुक जा, हाँ ठीक है रुक जा, पहले मुझे, पहले मैं बोलूंगा क्वेश्चन, तो सेकंड में चले जा, हाँ ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ लोग थोड़ा सा कभी स्लो होते हैं, स्लो होना प्रॉब्लम नहीं है, स्लो चलता है, स्लो इज नहीं करना प्रॉब्लम है, स्ट्रेगनेंट होना प्रॉब्लम है, स्लो होने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। नील बोर बहुत स्लो बच्चा था, मगर उसे नोबेल प्राइज मिला। चलो तो पहले वाले का आंसर आप बोलो क्या आया? 6/5। क्या किसी को डाउट है? मैं करूंगा, मैं जानता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि वो शर्म तुम्हारा निकले कि नहीं। यू ऑल्सो पेड द सेम अमाउंट, जो जिसका आंसर निकला है उसने भी उतना ही अमाउंट पे किया है मुझे, ठीक है, मेरे यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप नहीं रहता है, तो इसीलिए क्या किसी को क्वेश्चन नंबर वन में डाउट है? शर्माओगे नहीं, पूछोगे क्वेश्चन वन किसी को चाहिए मैं कर दूं? नहीं बोलोगे तो मैं नहीं करूंगा, ये भी बोल देता हूँ, प्रॉमिस बोलता हूँ तुमको सर, करिए नंबर वन। तो अब मगर तू ऑनलाइन रहेगा, हाँ मैं तुझसे कुछ पूछूंगा। 729 और 243 किसका पावर है, किस प्राइम के पावर है ये सब? 9 भी बोल सकते हो, 3 भी बोल सकते हो, नहीं क्या? 729 3 टू द पावर 6 होता है, नहीं क्या? और 243 3 टू द पावर 5 होता है, तो बाहर क्या आएगा? 6/5। तो क्या हो जाएगा? log 33, log 33 का वैल्यू 1, तो 6/5। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 45 सेकंड, कईयों से तो हो ही चुका होगा तब भी 45 सेकंड जो पहली बार कर रहे हैं। आगे बढ़ते जाओगे जिनका होते जा रहा है, हाँ मैं जब आंसर पूछूंगा तभी बस आंसर बोलोगे, और वो मेरे लिए नहीं, हाँ देयर मे बी सम स्टूडेंट्स जो स्लोली कर रहे हैं और अननेसेसरी उन्हें फिर एक हड़बड़ी में चले जाते हैं, ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं। क्या है 2 का आंसर? 1/4। समझ में आया, क्योंकि 625 को क्या लिख सकते हो, log 5 टू द पावर 4, 5 4 है तो बाहर क्या निकलेगा, 1/4 क्या हो जाएगा, log 5 1/4। नंबर 3, एक मिनट का टाइम,
क्या आया थ्री? सिक्स सेवन ट्वेंटी 1728 टू रूट थ्री के पावर में तुम्हें लिखना होगा. 1728 को क्या लिख सकते हो जिन्होंने आंसर निकाला? बोलो क्या 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 निकला ये? थ्री टू दी पावर थ्री ठीक है. मगर एक प्रॉब्लम है, देखो क्या बेस टू रूट थ्री के टर्म में और ये थ्री है तो ठीक है इसे रूट थ्री बना दो तो ये टू टू दी पावर सिक्स इंटू रूट थ्री टू दी पावर सिक्स हो जाएगा. मतलब ये टू रूट थ्री टू दी पावर सिक्स हो जाएगा. इसका मतलब अब तुम इसको लिख सकते हो लॉग टू रूट थ्री टू रूट थ्री टू दी पावर सिक्स. तो बाहर क्या आएगा? सिक्स. क्या रह जाएगा? लॉग टू रूट थ्री जो वन है तो सिक्स इंटू वन इज इक्वल टू सिक्स. ठीक है तो इस टाइप से तुम्हें बेस को सेम करना होगा. नंबर फोर किसी ने निकाला है क्या? मैं आगे चलूंगा नहीं तो फोर करने के लिए टाइम नहीं दूंगा. चलो मैं आगे चलता हूँ. फोर भी सेम तरीके से कर लोगे. क्या किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर थ्री में? समझ में आया? चलो ठीक है कर ही लो क्वेश्चन नंबर फोर एक बार. फोर करके मुझे डायरेक्टली आंसर बोलो. जिसने निकल जिसका जल्दी निकल जाए वो आंसर बोले. अब हो गया. हाँ सर थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ. कितना निकला? फोर. फोर बाकी लोग एक बार ट्राई करके देखेंगे. मैं तब भी 45 सेकंड का एक टाइम दे रहा हूँ. ठीक है यहां तक समझ में आया? एक बार भी तुम लोगों ने हाथ नहीं उठाया. हाथ उठाओ देखें कितने को समझ में आया. एटलीस्ट 10 हाथ उठने से मैं खुश हो जाता हूँ. 10, 16, 17, 18 अरे मैं खुश हो गया मैं. चलो हाथ डाउन कर सकते हो. खुश हो गया मैं. और अब मैं जो लोग दुखी हैं जिन्होंने जिन्हें लग रहा है समझ में नहीं आया पूछोगे तो भी समझ में आएगा. ओ, ओ, ओ तुझे समझ में नहीं आया तू मोबाइल देख रहा है व्हाट्सएप देख रहा है. हाँ तो वो हटाना होगा ना. डिस्ट्रैक्शन तो हटाना होगा ना. लाइफ में कितने बार देखे हो क्रिकेट मैच देखते होगे तो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद बैट्समैन आउट हो जाता है. कितने बार होता है ड्रिंक्स ब्रेक के बाद बैट्समैन का आउट होना? डिस्ट्रैक्शन. 324 क्या जिसका आंसर निकला कुछ बोलना क्या था? 18 स्क्वायर का मतलब कितना हुआ? 18 स्क्वायर तो 18 स्क्वायर का मतलब हो गया 3 × 4 × 2 स्क्वायर. मगर 2 स्क्वायर नहीं है ये रूट 2 है तो इसलिए 3 × 4 × क्या? रूट 2 का पावर 4 मतलब 3√2 × 4 तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? लॉग 3√2 और क्या? 3√2 × 4 तो ये 4 बाहर आ गया तो ये क्या हो जाएगा? लॉग 3√2 × 4 खेला खत्म. किसी को लिखना है तो लिख लो. मैं आगे चल रहा हूँ. ठीक है थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ बस. कोई टाइमर नहीं दे रहा हूँ थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आगे चल रहा हूँ. ठीक है तो ये चीज समझ में आया. ठीक है तो अब कभी कभी ऐसा भी रह सकता है कि log 3243 डिवाइडेड बाय log रूट 232 ये पूछेगा. और सर डिवाइड है. हाँ डिवाइड है. सेम सम में दो अलग अलग टाइम में दिया हुआ है. 243 3 के पावर में आता है तो log 3 × 3 2 5 हो जाएगा. ये रूट 2 के पावर में 32 तो रूट 2 तो ये 2 × 8 2 × 32 है तो 2 × 5 होता है. यहां से 5 को बाहर निकाल लो तो ये log 3 हो जाएगा. मगर ये रूट 2 के टर्म में है तो 2 × 5 रूट 2 के टर्म में क्या हो जाएगा? √2 × 10 तो ये 3 का वैल्यू 1 हो जाएगा. तो ये 5 × 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये 10 × log√2 ये भी 1 होता है. तो इसलिए आंसर जो होगा वो 5/10 का मतलब 1/2 खेला खत्म. किसी को लिखना है तो लिख लो. 30 सेकंड का एक टाइम देता हूं. पूछोगे कहीं डाउट है तो पूछोगे. तो मोबाइल अगर देख रहे हो तो डाउट का फिर वो मीनिंगलेस है. मोबाइल देख के अगर पढ़ रहे हो तब मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा. वो आगे चलूं? यस सर. चलो आगे चलता हूं. ठीक है सॉल्व लॉग 2x
plus log 4x plus log 8x is equal to log kx दिया हुआ है, सॉल्व नहीं है रे, इस क्वेश्चन अलग है क्या, if दिया हुआ है तो पूछ रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा निकालो, log 2x log base 4x log base 8x is equal to log x base k, तो k का वैल्यू क्या होगा, सम को लिखना है तो लिख लो, 10 सेकंड दे रहा हूं सम लिखने के लिए। हाँ, और एक चीज है, अगर तुम लोग को लगता है कि तुम खुद कर पाओगे तो आराम से खुद करो, वो देखने का जरूरत नहीं है। हाँ, यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ, और जिन लोगों को लग रहा है वो करें। तो यहां पे एक प्रॉब्लम है, देखो सबका बेस अलग है या नहीं, एक टू है एक फोर है एक एट, मगर एक चीज खासियत है, सबका सब बेस किसके पावर में है, तो इसलिए टू के पावर में है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग टू एक्स उसके बाद वाले को लॉग टू स्क्वायर एक्स उसके बाद वाले को लॉग टू क्यूब एक्स, मगर मेरे पास फॉर्मूला क्या था, लॉग ए टू डी पावर एन एक्स का फॉर्मूला क्या था, वन बाय एन लॉग ए एक्स था, तो वन बाय एन अगर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये लॉग टू। अच्छा मैं एक चीज अभी बोल देता हूँ, कभी कभी मैं कनेक्शन छूट जाता है तो मैं बाहर निकल जाता हूँ, तो तुम लोग को बाहर निकलने का जरूरत नहीं है। हाँ, मैं दोबारा कनेक्शन आने से आ जाऊंगा फिर। हाँ, और ज्यादा टाइम भी लगता है, ये मुश्किल से एक मिनट का प्रोसेस है। तो टू से बाहर क्या आएगा, वन बाय टू इंटू लॉग टू एक्स, प्लस थ्री से बाहर क्या आएगा, वन बाय थ्री इंटू लॉग टू एक्स। दो बंद, कोई दो बंदे हैं जिन लोगों ने ऐप में अभी तक अपना ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, कृपया करके ऐप इंस्टॉल कर लें और मुझे मैसेज भेज दें, मैं एक्टिवेट कर दूंगा। तो अगर मैं log 2x कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 1 by 2 plus 1 by 3 into कितना, log 2x, जब LCM लोगे तो ये 10 by 3 आता है, 10 by 3 log 2x। अब मेरे पास दो फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, मैं n log ax को log ax to the power n भी लिख सकता हूं, और नहीं तो मैं इसे बेस में भी लेके जा सकता हूं। अब कौन सा प्रिफर करूंगा ये डिपेंड करेगा कि राइट हैंड साइड क्या है। देखो राइट हैंड साइड में आर्गुमेंट क्या है, राइट हैंड साइड का आर्गुमेंट क्या है, एक्स है सर। और तो यहां पे भी तो आर्गुमेंट एक्स है, तो आर्गुमेंट को चेंज नहीं करना है, मतलब बेस को चेंज करना है। तो इसीलिए ये 10 बाय 3 जब बेस में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, लॉग 2 ये क्या हो जाएगा, 3 बाय 10 एक्स। मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं कि n जब आता है, और दिस राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड दिया हुआ है ये log kx, तो कंपेयर करके क्या x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, k का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, k का वैल्यू आ गया 2 टू द पावर क्या, 3 बाय 10। किसी को कहीं भी डाउट है तो पूछ सकते हो, लिखना है तो लिख लो, ये रहा सब। एक मिनट का टाइम देता हूं, एक मिनट, ठीक है चलो, पहला क्लास है, डेढ़ मिनट का ही टाइम देता हूं, आराम से लिखो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, वो करेक्शन कर लेना, कैलकुलेशन को देख लेना, ठीक। आगे चलो, चलो yes,
ब्लॉक टू प्रॉपर्टी, ब्लॉक टू में आ रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ आर्गुमेंट होने से मतलब लॉग ए इंटू बी सी अगर रहता है तो तुम इसे लॉग ए बी प्लस लॉग ए सी लिख सकते हो। सर प्रूफ नहीं, इसका दूंगा प्रूफ, इसका प्रूफ देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड लॉग ए बी सी है, इसको सपोज मैं एम ले लेता हूं, तो इससे मुझे बी सी का वैल्यू मिला ए टू डी पावर एम रिवर्स डेफिनेशन से। राइट हैंड साइड में दो अलग अलग वैल्यू है, इस प्रूफ को समझो रे। हाँ इस प्रूफ को समझो, मैं दोबारा कह रहा हूं हाँ, क्योंकि बस एक ही प्रूफ कराऊंगा, बाकी सबको नहीं कराऊंगा। वो तुम लोग को अगर प्रैक्टिस करना है तो घर में एक बार देखोगे। अगर मैं लॉग ए बी को एक्स ले लेता हूं और लॉग ए सी को वाई ले लेता हूं, तो इससे बी का वैल्यू क्या आएगा, ए टू डी पावर एक्स रिवर्स डेफिनेशन से। और यहां से सी का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि बेस ए है, सी इज इक्वल टू ए टू डी पावर वाई। अगर मैं बी सी का ये वैल्यू इसमें डाल दूं, तो अगर बी सी का मैं वैल्यू यहां पे डाल दूं, तो बी के बदले मैं डाल सकता हूं ए टू डी पावर एक्स, सी के बदले मैं डाल सकता हूं ए टू डी पावर वाई इज इक्वल टू ए टू डी पावर एम। तो हेंस ए टू डी पावर एम का वैल्यू क्या आ गया, ए टू डी पावर एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब एम का वैल्यू क्या आ गया, एक्स प्लस वाई। मगर एम क्या था, एम क्या था, कलर कोड ब्लू कलर। एक्स क्या था, रेड कलर। वाई क्या था, ग्रे कलर या पिंक कलर। क्या बोलोगे एम का वैल्यू, लॉग ए बी सी इज इक्वल टू एक्स के बदले क्या लिखोगे, लॉग ए बी प्लस वाई के बदले क्या लिखोगे, लॉग ए सी। प्रूफ किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर कुछ इसके सम्स में जाऊंगा। सॉरी टाइमर देना भूल गया था, हाँ 10 सेकंड का एक टाइमर दे रहा हूं, टिक 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 बोलने से आगे निकलूंगा। चलूं आगे, चलो आगे चलता हूं। तो ये ब्लॉक में तीन प्रॉपर्टी मिलेगा तुम्हें। हाँ पहला प्रॉपर्टी लॉग ए बी प्लस, उल्टा भी उल्टा लिख रहा हूं अब, हाँ इसे तुम लॉग ए बी सी लिख सकते हो, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी लॉग ए बी बाय सी, अगर डिवाइड में रहता है आर्गुमेंट तो इसे लॉग ए बी माइनस लॉग ए सी लिख सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी कैंसिलेशन अलाउड है लॉग में, मतलब तुम्हें कभी अगर log a b is equal to log a c मिले, अगर बेस सेम है तो तुम log को कैंसिल कर सकते हो, मतलब तुम्हें क्या मिलेगा b is equal to c। ये तीन प्रॉपर्टी लिखना है तो लिख लो। एडिशन होने से log a b प्लस log a c होने से log a b into c हो जाता है, log a b c log a b माइनस log a c होता है, जो तुम खुद प्रूफ करोगे। कैंसिलेशन लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए सी होने से बी इज इक्वल टू सी हो जाता है, कैंसिलेशन अलाउड है। सर हाँ बोल। सर ये कैंसिलेशन सिर्फ बेसिस सेम होने से ही होगा? हाँ ओनली अगर बेस सेम है, वरना कभी नहीं होगा। बेस मस्ट बी सेम, मतलब कुछ ऐसा है ना, जब तुम कॉस थीटा को कॉस 45 लिखते हो तभी थीटा को 45 डिग्री लिखते हो, हाँ या ना? मगर वही cos थीटा को अगर मैं साइन के टर्म में होगा तब थोड़ा कैंसिल करते थे, जो ट्रिग्नोमेट्री में करते थे। मगर दो मतलब सेम सेम फंक्शन होने से ही तुम कैंसिल कर पाओगे, वरना कहां से कैंसिल करोगे। चलो
आगे चलो. चलो तो जैसे अगर मैं तुमसे कभी बोलूं कि सॉल्व करो log 7 2 to the power x minus 1 plus log 7 2 to the power x minus 7 is equal to 1. ध्यान से देखो क्या इसमें बेस सेम है. मुझे तो मालूम ही है, बस मैं तुमसे पूछ रहा हूं. तो ये दो आर्गुमेंट को क्या कर सकते हो तब, मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई. तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो log 7 इसे मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर x माइनस 1. और क्या किसी को डाउट है तो बोलोगे? हाँ, log a इनटू b, अच्छा, इज इक्वल टू 1. अब मैं 1 नहीं लिख के कुछ और लिखना पसंद करूंगा. सर क्या बताता हूं, क्या मैं 1 को log 7 7 लिख सकता हूं? हाँ सर. यस सर. ठीक है, इससे मुझे अब मुझे ना मैं अब रिवर्स डेफिनेशन नहीं लगाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि अब मैंने जानबूझ के 7 लिया रे, क्योंकि मुझे जिस बेस का जरूरत है मैं वो ले रहा हूं. तब ये लॉग और ये लॉग कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा? 2 टू दी पावर x माइनस 1 2 टू दी पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 7. अब इसे प्रूफ करने के लिए मैंने कुछ मेरे ख्याल में गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम में कुछ बोला था क्या, सब्स्टिट्यूशन छोड़ दूं? क्या लोगे? लेट 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या, टी. मैं छोड़ रहा हूं, वो तुम लोग निकालोगे, अब हां क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेना आंसर. हाँ, टी माइनस छोड़ दो ना, कोई हाँ या ना बोल नहीं रहा है. टी माइनस 1 टी माइनस 7 हो तो जाएगा यार, आगे क्या है, ब्रेक करने से टी का वैल्यू निकाल. हाँ, छोड़ दीजिए. हाँ ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो, अननेसेसरी कुछ चार अच्छा सम करवाता हूँ. हाँ, जो ऑलरेडी जो चीज तुम लोगों ने डिस्कशन में हो गया, गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम में हो गया, उसे दोबारा करके तुम लोग को क्यों बोर करूँ. चलो आगे चलते हैं. तो इस चीज को समझ में आ गया, कैंसिलेशन. कैंसिलेशन के लिए एक दो चीज याद रखोगे तो बेटर है. जैसे अगर तुम्हें 1 मिलेगा तो तुम उसे क्या लिखोगे? log a a. 0 मिलेगा तो क्या लिखोगे? log ए वन. और ध्यान से देखो, लॉग ए ए टू दी पावर के क्या होगा, डायरेक्टली बोलो ना. अभी कुछ बोला था तो बाहर कुछ आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये, अल्टीमेटली क्या होगा तब? ए. तो इसीलिए कोई भी नंबर को अगर तुम्हें बेस में लेके आना है किसी का, तो वो ए टू दी पावर के होता है. इसे याद रखो. मतलब क्या सर? मतलब सपोज 5 को तुम्हें लॉग 3 के बेस में लाना है तो इसे क्या लिखोगे? 3 टू दी पावर 5. ठीक है सर, क्या फायदा? नहीं, फायदा का क्या बात है ना, कि कैंसिलेशन आसान हो जाता है. एक सम कराता हूं, लिखने का टाइम दूंगा. जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे सॉल्व करना है log 3 1 प्लस सॉल्व है, यहां मुझे सॉल्व करना है log 3 2 टू दी पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, ये सॉल्व करना है. ध्यान से सुनोगे? हाँ प्लीज ध्यान से सुनोगे. मुझे log 3 कैंसिल करना है, तो क्योंकि यहां पे log 3 है, जैसा जरूरत है जैसा भगवान वैसा पूजा. अगर यहां पे log 3 है तो 1 को क्या लिखूंगा ताकि कैंसिल हो जाए? अरे हल्ला कर सकते हो. अब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलता हूं तो मुझे आंसर चाहिए किसी से. log 3 3 ताकि log कैंसिल कर दो, क्या फायदा? 1 प्लस log 3 2 टू दी पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 3, तो क्या फायदा? log 3 2 टू दी पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 2. अब मुझे बोलो,
अब ये टू को क्या करूं, यहां पे लॉग थ्री है तो टू को क्या बोलूं, ये वाला फॉर्मूला है मेरे पास, के को मैं लॉग ए टू डी पावर के, तो कौन सा बेस प्रिफर करूंगा यहां पे, थ्री तो थ्री लेने से लॉग टू को तब क्या लिखूंगा, लॉग थ्री तो क्या थ्री का square, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा, लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो क्या फायदा, टू टू पावर एक्स माइनस सेवन, थ्री थ्री जा नाइन, तो टू टू पावर एक्स इज इक्वल टू 16, मतलब एक्स इज इक्वल टू 4, खेला खत्म। तो ये इसका फायदा होता है, बार बार अब रिवर्स डेफिनेशन लगाने का जरूरत नहीं है, मतलब तुम कह सकते हो कि सर पहला आधा घंटा आपने बहुत बोर किया, वो तो अब जरूरत ही नहीं है, नहीं नहीं कभी कभी जरूरत होता है उसका, ऐसा नहीं है, लिखना है तो लिख लो, करत करत अभ्यास, जरमती हो सुजान, खूब मेहनत करो, मैं यहाँ पे इसलिए हूं ताकि मैं तुम्हें समझाऊं, तुम्हें तुमसे समझ नहीं बनता है तो मैं तुम्हें बताऊं, मगर नहीं बनता है, अब नहीं बनता है तो ना सपने में आएगा, ट्राई करना होगा, देखो लिखना है तो लिख लो, यहां तक बोलोगे मैं टाइम दे देता हूँ 45 सेकंड, बोलोगे मैं नीचे लेते हुए निकल जाऊंगा। हाँ सर, सर नीचे जा सकते हैं? हाँ बोलो, कोई कुछ सेकंड वाला आपने लिखा जीरो इक्वल टू लॉग वन बाय लाइन नंबर बोल, लाइन नंबर बोल, लाइन नंबर फोर, हाँ बोल, ये वाला ना, हाँ सर, हाँ तो log a1, log a अगर argument 1 होता है तो हर समय उसका वैल्यू 0 होता है, क्योंकि a to the power 0 का वैल्यू 1 होता है। हाँ बोल, हाँ सर ठीक है, क्या आगे चलूं? तो एक सेकेंड, ठीक है, सर हाँ बोल, और हाँ बोल, नहीं सर हो गया सर, हो गया, ठीक है, आगे चलूं? यस सर, हाँ सर, ठीक, चलो, ओके सर, चलो, तो बस मैं रिड्यूस कर रहा हूं, हाँ, अब मैं सॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, हाँ, मैं रिडक्शन में इंटरेस्टेड हूं कि कैसे तुम फॉर्मूला लगाओगे, जैसे अब मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम सॉल्व करो लॉग फाइव प्लस लॉग एक्स प्लस टेन माइनस वन इज इक्वल टू log 21x minus 20 minus log twice x minus, ये सॉल्व करना है, चलो राइट हैंड साइड में क्या फॉर्मूला लगेगा, माइनस है log a minus log b, क्या था सुनने में नहीं आ रहा है, बी बाय सी, मतलब 21x माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा, लॉग 5 और लॉग x प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा, log 5 into x plus 10, मगर ये minus 1 के लिए क्या करोगे तब, अब minus 1 के लिए, ओ तुम बोलोगे सर बेस एब्सेंट है, क्या करें, एलजेब्रा में जब भी बेस एब्सेंट है तो बाय डिफॉल्ट तुम मानोगे वो बेस 10 है, तो अब मुझे प्रॉब्लम ये 1 के लिए हो रहा है, क्योंकि बेस 10 है इसीलिए तब मैं इसे लिख सकता हूं log 10, 5x plus 10 minus 1 को क्या लिख सकता हूं, log 10 10 is equal to log 10 21x minus 20 divided by 2x minus 1, क्या फायदा, log 10 5x plus 10 क्या, minus 10 है तो divided by क्या हो जाएगा 10
इज इक्वल टू लॉग 10 कितना 21 मैक्स माइनस 20 बाय 2x माइनस 1 क्या फायदा लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आया 5x plus 10 divided by 10 is equal to आगे सॉल्व मैं नहीं करूंगा मैंने कहा था सॉल्व करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं किसी को लिखना है तो लिख लो तो देखो इस चीज को हाँ कि क्या पहला ये चीज समझो बाय डिफॉल्ट अगर लॉग में बेस नहीं दिया है बाय डिफॉल्ट तो हर समय बेस तुम्हारे ऊपर नहीं है इसका मतलब है कि बेस 10 है तो इस वाले में मैंने फॉर्मूला लगा दिया इस वाले में लगा दिया वन के कारण मुझे प्रॉब्लम हो रहा था वन को मैंने फिर से एक बेस में लेके आ गया ताकि ये log a माइनस log b का फॉर्मूला हो गया तो ये log a by b हो गया किसी को लिखना है तो लिख लो 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं फिर आगे चलूंगा आगे चलूं हाँ सर अब कभी कभी रिडक्शन वाले सम्स होते हैं कि तुम्हें रिड्यूस करना होता है ऊपर वाला फॉर्मूला में तुम ध्यान से देखो फॉर्मूला तुम तभी लगा सकते हो फॉर्मूला तुम तभी लगा सकते हो जब बेस सेम होता है इस चीज को याद रखना हाँ वन बाय सेवन अभी देखो सबका बेस अलग है मगर एक खासियत है क्या सबका बेस क्या थ्री हो सकता है अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ये हो जाएगा log थ्री टू दी पावर माइनस वन सेवन ये हो जाएगा log थ्री स्क्वायर इंटू 49 माइनस ये हो जाएगा log थ्री टू दी पावर हाफ इंटू 7 टू दी पावर माइनस या वन बाय सेवन ही रखो तो 3d पर माइनस वन से बाहर क्या आएगा माइनस बाहर आएगा किसी को डाउट है तो बोलोगे 3 स्क्वायर से बाहर क्या आएगा 1 by 2 से क्योंकि ये बेस में है तो 2 into 1 by 2 log 349 माइनस 1 by 2 से बाहर क्या आएगा 2 क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा तो log 3 1 by 7 ये 2 कैंसिल हो गया तो ये माइनस ऑफ लॉग 37 एक काम करता हूं सब माइनस को सबको प्लस कर देता हूं तो माइनस 7 के पावर में चला जाएगा 7 टू दी पावर माइनस 1 प्लस लॉग 349 और ये माइनस 2 को ऊपर लेके जाता हूं तो ये प्लस ऑफ क्या हो जाएगा लॉग 3 7 टू दी पावर 1 बाय 7 है तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय 7 2 टू दी पावर कितना माइनस 2 तो log a अच्छा अब फॉर्मूला मैंने अभी तो log a प्लस log b का दिया था मगर अब log a प्लस log b प्लस log c होने से भी सेम फॉर्मूला ही लगेगा इसका भी प्रूफ सेम करोगे तो सबका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा a इंटू b इंटू c तो ये क्या बनेगा कोई बोलेगा log 3 क्या 7 टू दी पावर माइनस 1 कितना 1 बाय 7 49 इंटू 1 बाय 7 टू दी पावर माइनस 2 इंटू 49 वैल्यू निकाल के देख लेना मैं उसमें ये 7 हो गया तो कितना निकलेगा log 3 343 ये आंसर है किसी को डाउट है तो बोलोगे मगर और एक फॉर्मूला मैं देना चाहता हूं डायरेक्टली मैं ये लिख सकता हूं ध्यान से देखो माइनस log a बाय b माइनस को अगर मुझे प्लस करने का मन है तो मैं उल्टा कर सकता हूं या नहीं इसे log b बाय हाँ या ना किसी को डाउट है बात बराबर है या नहीं अगर ये माइनस ऊपर चला जाएगा अगर ये माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा तो ए बाय बी टू दी पावर माइनस वन क्या बन जाएगा बी बाय किसी को लिखना है तो लिख लो देखो सुनते जाओ कुछ बताते जा रहा हूं मैं तुम्हें
एक स्टडी नोट्स दूंगा, मगर स्टडी नोट्स कई लोग नहीं बनाते हैं जो मैंने देखा है। मैं देखो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ हाँ, क्योंकि ये मैंने देखा है। अगर इस साल के बैच में ऐसे कुछ बच्चे मुझे मिले कि हर बच्चा बनाए, मैं रियली ग्रेटफुल हूँ तुम्हारे तुम लोगों के लिए हाँ। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि जो मैं टॉपिक खत्म करता हूँ उसका एक स्पेशल डीपीपी भी देता हूँ। तो तुम्हें जैसे आज रात को एक स्पेशल डीपीपी लॉग का मिलेगा, वो आज के क्लास के ऊपर आधारित होगा। उसका डिस्कशन जैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें बोलूं कि कल एक बैच है उनको भी कल दे दूं, और फिर मैं बोलूं कि संडे रात के 10 बजे या मंडे रात के 10 बजे मैं डिस्कस करूंगा। तो फिर तुम लोग डिस्कशन वाले क्लास में आ जाना, हम लोग बैठ के डिस्कस कर लेंगे। तो तुम्हें एक टॉपिक का दो चीज मिलेगा, एक स्टडी नोट जो किताब की तरह होता है, जिसका कॉपी तुम्हें जिसको तुम्हें प्रिंटेड मिलेगा, मगर अभी नहीं मिलेगा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन खत्म हो जाने दो, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद रखने के लिए बोला गया है। और दूसरा स्पेशल डीपीपीज मिलेंगे। स्पेशल डीपीपी में बहुत ज्यादा टफ सम्स नहीं होते हैं इन जनरल, उसे एक बार कर लोगे। आगे चलूं मैं? हाँ सर ठीक है चलो आगे चलता हूँ। हाँ बोल। ये ये फॉर्मूला था हाँ, ये मैं ये लिख लो, मैं आधे घंटे आज आ रहा हूँ हाँ, थोड़ा सा बस थोड़ा सा, बहुत बोलते बोलते मेरा भी गला हो गया, लिख लो उसको। मैं चलो आगे निकलता हूं हाँ। तो मेरे स्टडी नोट्स में तुम्हें कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी मिलेंगे। जैसे मेरे स्टडी नोट का ये एक सम है, log 275 by 16, इसे सिंप्लीफाई करना है, माइनस 2 log 25 by 9 प्लस log 232 by 243, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या सब में बेस सेम है? तो बोलोगे सर क्या बोर कर रहे हो, सेम है दिखने से लग रहा है हाँ। तो अगर बेस सेम है तो देखो हम क्या करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू log 275 by 16, ये माइनस को अगर मैं प्लस 2 बना दूंगा तो ये 5 by 9 क्या हो जाएगा? 9 by 5। मगर अभी फॉर्मूला नहीं लगेगा सर, क्यों कहां प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम अभी ये 2 कर रहा है। तुम बोलोगे सर क्या बोलते हो, सिखाते भी हो और बोलते भी हो, प्रॉब्लम करता है, ऊपर लेके जाइए। हाँ ठीक है, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, ऊपर लेके जाऊंगा। 9/5 का होल स्क्वायर प्लस log 232 by 243। अब ठीक है, तो ये log a प्लस log b प्लस log c, क्योंकि बेस सेम है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये 75 by 16 मल्टीप्लाइड बाय 81 by 25 मल्टीप्लाइड बाय 32 by 243। वो सॉल्व एग्जांपल है, करके देख लेना, कैंसिल इंसिल होके log 22 आता है, log 22 का वैल्यू 1 होता है, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। लिख लिया सर, चलो आगे। सर सर ठीक है चलो। जस्ट वेट अ मिनट।
चलो ये थी पहले का आंसर सुनाई दे रहा है? हाँ या ना? कर रहे ठीक कर रहे हो सर? जीरो ठीक ठीक है, पहले का आंसर जीरो, मैं टाइमर देना भूल गया था। हाँ ठीक है, पहले का आंसर जीरो। क्या करोगे? लॉग 81/8 माइनस, तो इसे प्लस कर देता हूं, 2 log 3/2 उल्टा हो जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा, प्लस 3 log 2/3 प्लस log 3/4, तो ये हो जाएगा log 81/8 प्लस, ये दोनों सेम क्वांटिटी है इसलिए 2 + 3 ऐड हो जाएगा, तो 5 log 2/3 प्लस log 3/4, 5 ऊपर जाएगा तो ये हो गया log 81/8 प्लस log 2/3 to the power 5 प्लस log 3/4। बेस कुछ नहीं है, इसका मतलब बेस 10 है, तो log ये हो जाएगा 81/8 इंटू 2 to the power 5/3 to the power 5 इंटू 3/4, ये कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो गया, सब कैंसिल होके log 1 बेस 10 क्या था आंसर? 0। सेकंड वाला देखो, किसी को लिखना है तो ये लिख लो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं सेकंड के लिए। जितने बार भी है सब मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस होने से सब मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस होने से सब मल्टीप्लाई हो जाता है, समझ में आया? 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं सेकंड के लिए। फर्स्ट, कोई फर्स्ट लिख भी रहा होगा, मगर फर्स्ट लिख के करोगे क्या? ऊपर वाला ही सब में सेम सम ही है। सेकंड में कोई एक फॉर्मूला था क्या? कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पेयर कैंसिल उन्सिल हो जाता था क्या? किसी का आया नंबर 2? अब बोलो क्वेश्चन नंबर 2, टाइम अप, क्वेश्चन नंबर 2 पहले बोलो, सुनाई दे रहा है या मैं भूत को बता रहा हूं? मुझे कभी कभी मैं निकल जाता हूं बाहर, सुनाई दे रहा है। तो क्या आया क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 होगा क्या? ठीक है मुझे बोलो, हल्ला होने दो। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्मूला क्या लगेगा बोलो? ओ सॉरी सॉरी, पाई में प्रॉब्लम हो रहा है। अरे अरे ये दोनों छोड़ो यार, सॉरी 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 सॉरी, 1/4 ले लो और इसको 3 ले लो, ठीक है चलो। वो पाई तुम लोगों में सर 0 है क्या? हाँ, क्या क्या करोगे सर? हम कॉम्प्लीमेंट्री ले सकते हैं एंगल, तब कैंसिल हो जाएगा। लॉग 10 सबको, अगर देखो यार लॉग 10 ए प्लस लॉग 10 बी 3 के लिए अगर ऐसा था, तो ऐसा अगर मैं लॉग 10 एफ तक भी दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये समझ में आया नहीं? हाँ या ना पहले बोलो, सब मल्टीप्लाई होगा क्या? इसमें किसी को डाउट है? नहीं। तो अगर ऐसा फॉर्मूला लगेगा तो इस वाले में तब क्या हो जाएगा? ये log 10 10 40 डिग्री प्लस log 10 41 डिग्री प्लस log 10 10 50 डिग्री, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? log 10 10 40 डिग्री 10 41 डिग्री डॉट 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 1050 डिग्री। अब जरा तुम, एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का एक फॉर्मूला था, मैं नीचे आ जा रहा हूं। हाँ 1040 के साथ अगर मैं 1050 ले लेता हूं,
1041 के साथ 1050 के पहले वाला नंबर ले लेता हूं, 1049 ले लेता हूं। तो 1050 को तुम क्या लिख सकते हो, cot, क्या cot 40 लिख सकते हो, हाँ या ना, किसी को डाउट? 1041 इनटू इसे क्या लिख सकते हो, cot 41, क्या क्या फायदा था, क्या 10 थीटा इनटू cot थीटा कुछ होता था? Yes. तो इसलिए सब मल्टीप्लाई करके 1 into 1। अब बस बात ये है कि सर लास्ट टर्म क्या होगा, 40 से लेके 50 तक यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मुझे बोलोगे, 1040 1041, ये अगर मान के चलो तो कितने एंगल्स हैं यहाँ पे टोटल, 10 या 11? 11। अगर यहाँ पे 11 एंगल्स हैं और पेयर कर रहे हो तो एक रह जाएगा या सब पेयर होगा? एक रह जाएगा। और जो रहेगा वो कौन सा एंगल होगा, एवरेज 10 45 डिग्री। मगर 10 45 डिग्री का वैल्यू भी क्या था, 1। तो सब तो 1 ही हो गया, तो सब 1 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया log 10 1। मगर log 10 1 का वैल्यू क्या था, 0। किसी को लिखना है तो लिख लो, लिखना है तो लिख लो, लास्ट सम करने का जरूरत नहीं है, वो मैं आगे निकल जाऊंगा अभी। हाँ, ये लिखना है तो लिख लो, इसमें थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट का, मैं माइक्रोफोन खोल रहा हूँ एक मिनट के लिए। हाँ, लिख लिया, आगे चलूं? Yes, sir. ठीक है। तो कुछ और 2-3 प्रॉपर्टी बता दूं, वो ज्यादा बेटर है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आगे निकलता हूं, ठीक है। ब्लॉक 3, बेस चेंज फॉर्मूला, मतलब पहला फॉर्मूला है, अगर 1 by log AB दिया है, ना तो A1 हो सकता है ना तो B1 हो सकता है यहां पे, तो जब तुम रेसिप्रोकल करोगे तो ये log BA हो जाएगा। मतलब अगर मैं तुमसे कभी मेरे पास log 3 2 दिया हुआ है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये log 2 3। आर्गुमेंट और बेस इंटरचेंज होता है सर, प्रूफ एक्चुअली देने का तो मन है नहीं सर, क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली वही चीज है जो इससे पहले हम लोग कर रहे थे, नहीं मानते हो, देखो ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड log AB है, मैं इसको एक्स ले लेता हूं, तो अभी तो मैं रिवर्स डेफिनेशन नहीं लगा पाऊंगा, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, log AB को ले लेता हूं, तो log AB 1/x। अगर log AB 1/x तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा तब, या बी का वैल्यू क्या हो जाएगा रिवर्स डेफिनेशन से, बेस इज इक्वल टू बे आर्गुमेंट इज इक्वल टू a^2 कितना 1/x। ये 1/x अगर इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, b^x इज इक्वल टू a, और फिर आप डेफिनेशन से तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलोगे, डेफिनेशन से एकदम पहला, आज लॉग का पहला 4:02 में जो बताया था, x का वैल्यू क्या हो जाएगा log AB। तो तुम जरा देखो नंबर 1 का और नंबर 2 में दोनों साइड x है, तो from 1 and 2 क्या बोल सकते हो, 1 by log AB ऊपर आके क्या बन जाएगा log BA। किसी को लिखना है तो लिख लो। सर लाइन 14 एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना, लाइन नंबर 14 के कहां से, 14 से 15 सर, नहीं 11 से 14,
11 से 14 ये था a टू द पावर 1 बाय a टू द पावर 1 बाय 3 को अगर तुम b लिखते हो तो 1 बाय 3 जब इस साइड आएगा तो a को क्या लिखती थी यस ये प्रॉपर्टी याद है हाँ. तो ये 1 बाय x जब इस साइड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा अगर a टू द पावर 1 बाय x b है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा टाइमर देना भूल गया 30 सेकंड का दे रहा हूं आगे चलूं यस सर हाँ सर ठीक है सिंप्लीफाई वन बाय लॉग ए बी सी प्लस वन बाय लॉग बी ए बी सी प्लस वन बाय लॉग सी ए बी सी कुछ ज्यादा लोग बोलोगे तो सुन के अच्छा लगता है आवाज तुम लोगों का अभी बेस अलग है या सेम है अभी सर अलग है सर अलग है और आर्गुमेंट आर्गुमेंट सेम है सर तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या फायदा होगा तो बेस सेम हो जाएगा अब बेस सेम होने से क्या फायदा होगा सर कॉमन बेस फार्मूला लग जाएगा सब मल्टीप्लाई हो जाएगा सब मल्टीप्लाई हो जाएगा और सब मल्टीप्लाई होके क्या फायदा हो जाएगा सर वन निकलेगा आंसर निकलेगा बेस और आर्गुमेंट सेम है तो आंसर वन आ गया लिखना है तो लिख लो 30 सेकंड दे रहा हूं किसी को डाउट है तो बोलो तो सोचना होगा ऑब्जर्व करना होगा सम्स करना होगा बैठ के केवल मोबाइल में देखने से नहीं होगा स्पेक्टेटर कभी भी प्लेयर नहीं बन सकता है तुम्हें प्लेयर बनना पड़ेगा बैठ के सम सॉल्व करना होगा मेरे पास आए हो ये सोच के कि सर मुझे मैथ्स को स्ट्रांग करना है और मैं भी यही एम लेके चल रहा हूं कि तुम्हें मैथ्स को स्ट्रांग करना है पेरेंट्स ने जब मुझे फोन किया था मैंने बस सुनने में आ रहा है हाँ सर पेरेंट्स ने जब मुझे फोन किया था मैंने पेरेंट्स से बस एक लैंग्वेज पूछा था कि आप क्या चाहते हैं आपके बच्चे का मैथ्स बोर्ड लेवल में स्ट्रांग हो या बोर्ड और एंट्रेंस मिला के स्ट्रांग या तुम लोग जब एडमिशन लेने के लिए आए थे तो मैंने तुमसे पूछा था मैंने प्रेशर नहीं दिया था कि मैं दोनों बैच करवाता तुमने बोला नहीं सर बोर्ड प्लस सेंटेंस को मेरा स्ट्रांग करना तो चलो करते हैं वही उसी प्रोसेस में गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम मिलता है सर बहुत टफ प्रॉब्लम है गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम मुझसे नहीं होता है देखो ये प्रॉब्लम्स कभी कभी करना चाहिए ठीक है अब धीरे धीरे क्या होगा कि मैं लॉग के प्रॉब्लम्स दूंगा सेट्स के प्रॉब्लम दूंगा फंक्शंस के प्रॉब्लम दूंगा जो मैं करवा रहा हूं अभी तक मैं तुम्हें वो प्रॉब्लम दे रहा था जो चीज मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया था मगर क्या होगा कि धीरे धीरे मैं यहां से वो बंदे को निकालूंगा जो बंदे केवीपीआई का तैयारी करना चाहेंगे तो जब केवीपीआई का तैयारी करना चाहोगे तो तुम्हें जीएमपी वाले जो प्रॉब्लम्स मिलेंगे अभी अभी जो जीएमपी वाले प्रॉब्लम्स मिलते हैं तो ये कंटिन्यू हो जाएगा ठीक है अभी नहीं ठीक है थोड़ा वो मैं जून के महीने से मैं शुरू करूंगा सोच रहा हूं तो यहीं से मैं निकाल लूंगा उन बंदों को कि किन किन को करने का मन है केवीपीआई का तैयारी अगर तुम्हें नहीं सर मैथ्स केवीपीआई लेवल में भी थोड़ा मेरा स्ट्रांग करवा दीजिए कोशिश करूंगा कि अगर मैं करवा पाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा आगे चलता हूं ठीक है तो बस अभी जस्ट उसका एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं इसलिए कभी कभी एक दो सम्स दे देता हूं वैसा कि हाँ फंस जाते हो तो शाम को सॉल्यूशन भी भेज देता हूं कि ध्यान से देखो सॉल्यूशन नहीं सर सॉल्यूशन से भी समझ में नहीं आया ठीक है मुझसे डायरेक्टली पूछ लो मुझसे कि सर ऐसा कैसे होता है चलो आगे चलता हूं मैं हाँ एक एल्गोरिथम है उसे उसको उसका नाम है जरूरत के अनुसार जिसको डायबिटिक है वो जरूरत के अनुसार ज्यादा मीठा नहीं खाता है जिसको ब्लड प्रेशर है वो जरूरत के अनुसार ज्यादा नमक नहीं खाता है तो जरूरत के अनुसार हम जिंदगी में चलते हैं
सिंप्लीफाई वन बाय वन प्लस लॉग ए बी प्लस लॉग ए सी प्लस वन बाय वन प्लस लॉग बी ए प्लस लॉग बी सी प्लस वन बाय वन प्लस लॉग सी ए प्लस लॉग सी बी। शुरू कर रहा हूं, क्या तुम यहां पे फॉर्मूला लगा पा रहे हो? हाँ या ना? हाँ सर। तो वन प्लस क्या लगा? लॉग ए बी सी प्लस वन बाय लॉग बी ए। इस वाले में लग रहा है बेस सेम है सर। वन प्लस लॉग बी ए सी प्लस वन बाय वन प्लस लॉग सी ए बी। मगर एक प्रॉब्लम है, अभी ये ऊपर नहीं जा सकता है क्योंकि वन है। अब मैं वन को बहुत कुछ लिख सकता हूं, वन को मैं लॉग टेन टन लिख सकता हूं, कोई फायदा नहीं है, बेस टेन है बेस ए। वन को मैं लॉग बी बी लिख सकता हूं, कोई फायदा नहीं है, बेस बी है और बेस ए। वन को मैं लॉग ए ए लिख सकता हूं, क्या ये लिख के फायदा है? हाँ सर। हाँ सर। क्यों? क्योंकि यहां पे बेस है, बेस सेम है। तो यहां पे फिर इस वन को क्या लिखूंगा? लॉग बी लिखेंगे, लॉग बी बाय लॉग बी बी जरूरत के अनुसार। और इस वन को क्या लिखूंगा? लॉग सी सी। तो इसीलिए इसका नाम है जरूरत के अनुसार, तुम्हें जो चीज का जरूरत है। तो यहां पे जरूरत हुआ वन में लॉग ए ए के साथ लॉग ए बी सी का, यहां पे जरूरत हुआ लॉग बी बी के साथ लॉग बी ए सी का, और यहां पे जरूरत हुआ लॉग सी सी के साथ लॉग सी ए बी का। क्या फायदा? फायदा ये हुआ कि अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, सॉरी इसमें फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि बेस सेम है। क्या लगेगा? वन बाय लॉग ए ए बी सी प्लस वन बाय, तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, ऊपर वाला सम हो गया। ठीक है, तो बोर नहीं करूंगा, डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं वन, क्योंकि ऊपर तुम लोगों ने लिखा हुआ है, किसी को लिखना है तो लिख ले। एल्गोरिथम का नाम है जरूरत के अनुसार। सर आगे चलो। हाँ बोल सर। एग्जाम्स में या स्कूल के टेस्ट में क्या हम वो एक दो स्टेप्स मिस करके भी लिख सकते हैं? ये डिपेंड करेगा, जब 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 मैं, ये तो बोर्ड लेवल में नहीं है ये टॉपिक, जब मैं बोर्ड लेवल में जब जब मैं एंट्रेंस लेवल में तुम्हें कोई शॉर्टकट दूंगा तो मैं तुम्हें कह दूंगा कि ये शॉर्टकट मगर तुम बोर्ड लेवल में नहीं लगा सकते हो, तो वो वाला अगर तुम बोर्ड लेवल में लगाओगे तो श्योर शॉर्ट मार्क्स करेगा। ठीक है, मगर अगर तुम सिंपल कैलकुलेशन में एक दो स्टेप को हटा रहे हो तो बात अलग है। मतलब बोर्ड प्लस एंट्रेंस में यही एक जगह कभी कभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं वार्निंग दे दूंगा। इसलिए मैं बोर्ड को जब कराऊंगा तो मैं बोर्ड लेवल में ही कराऊंगा, वहां पे मैं एंट्रेंस मिक्स नहीं करता हूं, और फिर मैं एंट्रेंस लेवल करवाऊंगा जहां पे शॉर्टकट्स दूंगा। तो अगर मैंने बोर्ड में तुम्हें कोई शॉर्टकट नहीं दिया और एंट्रेंस में शॉर्टकट दिया है तो काइंडली वो शॉर्टकट तुम बोर्ड में नहीं लगाओगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में तुम देखोगे कई बार शॉर्टकट फॉर्मूला लगता है मगर वो एंट्रेंस लेवल का शॉर्टकट है, बोर्ड लेवल का नहीं। क्या मैं आगे चल सकता हूँ? हाँ सर। चलो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए के साथ जब लॉग ए एक्स होता है तो ये ए और ए कैंसिल हो जाता है। हाँ, बेस कैंसिलेशन कहता हूं मैं इसे, और ये केवल एक्स हो जाता है, इसका नाम मैं देता हूं इसे बेस कैंसिलेशन। बेस कैंसिलेशन, इसका प्रूफ मैं थोड़ा अलग तरीके से कराऊंगा क्योंकि ये वाला काम मुझे अभी थोड़े, बस इसके बाद कुछ सम्स में भी मैं करूंगा।
तो पहले मैं इसका कुछ एग्जांपल देना पसंद करूंगा कि अगर मैंने कभी तुम्हें दिया सपोज 3 का पावर लॉग 3 4 है तो क्या करोगे? डायरेक्टली फॉर्मूला क्या प्रूफ तो दिया ही नहीं है, क्या होगा आंसर? क्या होगा? 4 कैंसिल हो गए, केवल क्या होगा? 4. अब तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी 3 नहीं देके 81 दे देगा और बोलेगा 1 by log 2 3 है, अब निकालो ये. तो अब जरा सोचोगे 1 by log 2 3 रेसिप्रोकल होने से क्या बन जाएगा? ये तो समझ में आया. अब तुमने यहां पे बेस 3 देखा तो तुम्हारे दिमाग में आएगा क्या ये 3 के पावर में आएगा? क्योंकि तुम जानते हो कि अगर बेस दोनों दो बेस है ना, दोनों बेस अगर सेम है तो बेस बेस कैंसिल होके केवल एक्स आ जाते. तो 81 को 3 का क्या पावर लिख सकते हो? 3 to the power 4. तो 3 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 3 2. अब क्या करें? अच्छा बताता हूं, a to the power m to the power n लिखूं या a to the power n to the power m लिखूं? दोनों सेम है या नहीं? हाँ सर, ये तो m into n ही हो जाता है. तो अभी मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूं क्योंकि यहां पे बेस 3 है और ये बाहर है, मगर मैं जानता हूं ये 4 और 3 इंटरचेंज हो सकता है, इसलिए ये क्या बन जाएगा तब? किसी को डाउट है तो बोलेगा. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने a to the power m to the power n को इंटरचेंज कर दिया. क्यों इंटरचेंज किया? क्या फायदा हुआ इंटरचेंज करके? ताकि बेस बेस कट जाए, ताकि बेस दोनों सेम होके कैंसिल हो जाए. तो कैंसिल होके तुम्हारे पास क्या आंसर आया? 3 to the power log 3 2. तो आंसर क्या होगा? ये तो 2 था, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 2 to the power 4 16. तो बोलोगे सर प्रूफ कहां गया? प्रूफ दूंगा, पहले ये लिख लोगे क्या? प्रूफ दूंगा, घबराओ मत, पहले ये लिख लो. मैं काफी बिजी रहता हूं, बिजी मतलब देखो इसी में ऑनलाइन में, तुम्हारा सीट बनाना है, तुम्हारे सीनियर का सीट बनाना है, तुम्हारे सुपर सीनियर्स का भी अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, उनका भी सीट बनाना है. तो इसलिए कभी कभी तुम जब असाइन मुझसे डाउट पूछते हो तो मैं इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ. हालांकि व्हाट्सएप में मैं देख लेता हूँ डाउट, ऐसा नहीं है, खोल के देख लेता हूँ ये डाउट है, मगर मैं ठीक है. तो उसे पर्सनल मत लेना कि सर आप डाउट को थोड़ा लेट भेजते हो, ठीक है, उसे डोंट टेक इट पर्सनल. उसमें कोई ऐसा मेरा कोई पर्सनल कोई तुमसे मुझे खुंदस नहीं है, मगर क्योंकि सब बैचेस अभी ऑनलाइन चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी करना होगा टॉपअप वीडियोस का, तो इसलिए कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर लेट हो जाता है. आगे चलूं मैं? नहीं, ठीक है, हो जाने से बोल देना. सर हम लोगों को क्या वो टॉपअप वीडियोस ऐप में मिलेगा? मैं ऐप में भी डाल दूंगा और मैं अपने वेबसाइट में भी डाल दूंगा, जिसको जहां पे देखना है. ठीक है सर. कोई दो बंदे हैं जिन्होंने ऐप में रजिस्टर नहीं किया, मुझे हिम्मत नहीं है, मतलब मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ किसने किया, एक एक करके तूने नहीं किया. जिन्होंने नहीं किया वो कर देना इंस्टॉल. हाँ ऐप को चलो आगे चल रहा हूं. तो प्रूफ क्या है? प्रूफ थोड़ा मैं इसका अलग तरीके से दूंगा. मुझे दिखाना है, मैं मान के चलता हूं कि एज्यूम करो, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि a to the power log a x होता है, और मैं दिखा दूंगा ये ट्रू है. कैसे? देखो अगर कैंसिलेशन ट्रू है तो ये भी ट्रू है. तब अगर तुम्हें a इज इक्वल टू बी दिया होगा तो तुम दोनों साइड में लॉग ले सकते हो, लॉग a इज इक्वल टू लॉग बी. बेस तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या लोगे? मतलब अल्टीमेटली दोनों ही चीज सही है ना, तुम कैंसिल भी कर सकते हो, दोनों साइड लॉग भी ले सकते हो. क्वेश्चन में क्या ऑलरेडी लॉग है? हाँ है. उस लॉग का बेस क्या है? ए. तो इसलिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइड टेक लॉग ए बोथ साइड. सुनाई दे रहा है? हाँ सर. वेरी गुड. तो ये लॉग ए a to the power log a x मैंने दोनों साइड में लॉग ए ले लिया है. हाँ ये पावर है, क्या ये बाहर नहीं आएगा? हाँ या ना? आवाज सुनने का मन है. Yes, sir. तो ये बाहर आ गया, ये
ये तो पावर में है ना, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा था? लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, मतलब ये तो वन हो गया, तो इसका मतलब लॉग ए एक्स इक्वल टू लॉग ए एक्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स? ट्रू स्टेटमेंट सर। तो अगर ये ट्रू है तो मेरा एजम्पशन, देयरफॉर माय एजम्पशन इज ट्रू। तो तुम बोलोगे सर आपने ऐसा प्रूफ क्यों किया? ऐसा प्रूफ इसलिए कराया क्योंकि अभी मुझे इस चीज का यूज पड़ेगा, लिखना है तो लिख लो। हाँ तो ज्यादा टाइम मेरे पास है नहीं, मगर एटलीस्ट एक सम करवा देता हूं, तो नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से शुरू करूंगा चीजों को। लिखना है तो लिख लो, 30 सेकंड का एक टाइम दे रहा हूं। किसी का क्लास है क्या अभी 6 बजे से? क्लास है क्या किसी का? नहीं है सर। नहीं ना, ठीक है, थोड़ा सा क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूं। हाँ नॉर्मली मैं हर समय नहीं बोलता हूँ कि वो, मगर क्योंकि आज पहला लॉग का क्लास है, तो किसी को जरा मुझे एक बार फीडबैक भेज देना क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा लिख के भेजोगे तो मुझे खराब नहीं लगेगा। किसी को कोई फीडबैक देना है तब भी मुझे खराब नहीं लगेगा, सर आप ये चेंज कर सकते हो, तो फीडबैक दोगे तभी समझ में मुझे आएगा कि क्या इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो और नहीं बोलूंगा, बस आज का जो क्लास है आज के क्लास का मुझे जरा फीडबैक तुम लोगों से चाहिए होगा। हाँ तो आगे चलता हूँ। तो तुम्हें कभी कभी ये एक टाइप मिलेगा कि एफ ऑफ एक्स पावर में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स। ऐसे सम को सॉल्व करने का तरीका ही है कि टेक एल्गो, टेक लॉग, मगर अब बेस क्या होगा? बेस वही लेना जो प्रेजेंट है, वही लेना जो प्रेजेंट है। तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया, ठीक है इसलिए लिखोगे भी नहीं, अभी एक प्रॉब्लम करने दो। एक्स टू पावर वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 10x। हाँ ये सॉल्व करना है। अब मुझे बोलो क्या बेस है? अगर बेस नहीं दिया है तो मैंने कुछ बोला था, इसका मतलब बेस क्या है? अगर बेस नहीं दिया है तो बेस क्या है? 10x। पहला मुझे क्या बोलो, क्या ये वाला फॉर्म में ये है, हाँ या ना? सर वही है। तो ऐसे में मैंने क्या बोलो, दोनों साइड क्या लोगे? लॉग लेंगे। और ये कोई नया चीज नहीं है रे, ऊपर यही प्रूफ किया था मैंने, ऐसे ही प्रूफ किया दोनों में। हाँ तो दोनों साइड में लॉग, कौन सा बेस? जो प्रेजेंट है। तो लॉग 10 दोनों साइड ले लेता हूं। मुझे बोलोगे हाँ, थोड़ा हल्ला होने से मुझे अच्छा लगेगा। किसी किसी को हो सकता है डाउट रह जाए इस सम में, हाँ क्योंकि ये लास्ट सम है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में करा रहा हूं ताकि टाइम मेरा हो चुका है। ठीक है, आप मुझे बोलोगे ये ऊपर वाला पावर क्या होगा, कहां आएगा? बाहर आ जाएगा। क्या बोलोगे? तो ये कॉफिशियंट बन जाएगा, तो क्या बन गया ये 1 प्लस कितना? लॉग 10x। ये वाला चीज बाहर आ गया ना रे, तो रह क्या गया फिर साथ में? लॉग 10x ले गया। लॉग 10x, इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या? देखो तो मल्टीप्लीकेशन है आर्गुमेंट का सर, एक्स हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था? लॉग 10 प्लस, याद आ रहा है? प्लस लॉग एक्स, लॉग ए बी का फॉर्मूला। हाँ या ना, समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। अब इस पूरे सम में देखो लॉग 10x बहुत बार आ गया है, तो क्या कोई सब्स्टिट्यूशन चल सकता है? यस सर। क्या कोई सब्स्टिट्यूशन चल सकता है? हाँ क्या बोलो, लेट, क्योंकि लॉग 10x बहुत आ गया, तो क्या ले लो? log 10x को t ले लेता हूं, तो 1 कैसा दिखेगा, हेल्प करोगे? 1 plus t into t, हां ये, हां 1 plus t, ये ब्रैकेट में, हां 1 plus t into t is equal to log 10 का वैल्यू 1 plus log 10x का वैल्यू t होगा सर, t। अब वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, जब तुम इसे कैंसिल करते हो तो केवल t is equal to 1 लिखते हो, गलत है। तुमने जिस चीज को कैंसिल किया वो जीरो भी पॉसिबल है,
नहीं मानते हो? जब तुम ए बी इज इक्वल टू ए सी लिखते हो और ए को कैंसिल करते हो तो केवल बी इज इक्वल टू सी पॉसिबल नहीं है, इसका और एक पॉसिबिलिटी है क्या? ए क्या हो सकता है? अरे अगर ऐसा नहीं है तो जीरो इंटू वन इक्वल टू जीरो इंटू टू, जीरो को कैंसिल कर दो, वन इक्वल टू टू, खेला खाना नहीं कर सकते हो ना। इसलिए आज से अब ये भूल कभी नहीं करोगे, जब भी जिस चीज को कैंसिल करोगे उसका दो पॉसिबिलिटी होता है। तो जब तुमने वन प्लस टी दोनों साइड कैंसिल किया तो ये दो पॉसिबिलिटी देगा, या तो टी वन होगा, नहीं तो जिस चीज को तुमने कैंसिल किया वन प्लस टी का वैल्यू जीरो होगा। टी क्या था देखो, तो लॉग टेन एक्स वन कब होगा? डायरेक्टली बोलो ना, एक्स का वैल्यू टेन, एक्स का वैल्यू टेन, और ये टी इज इक्वल टू माइनस वन हो गया। रिवर्स डेफिनेशन लगा के बोलो, लॉग टेन एक्स माइनस वन है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? टेन टू दी पावर माइनस वन इज इक्वल टू वन बाय टेन, खेला खत्म। पुट अप करके देखने दोनों सॉल्यूशन है। इसमें किसी किसी को डाउट हो सकता है, मैं जानता हूं, नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करूंगा, मगर आज भी लिख लो। चलो क्लास के बाद फीडबैक आज भेज दोगे, हर दिन नहीं बोलूंगा फीडबैक भेजने के लिए, आज एक बार फीडबैक मुझे भेज दोगे क्लास कैसा लगा, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज रात को थोड़ा लेट हो सकता है, हाँ, क्योंकि मेरा एक अभी क्लास शुरू होगा रात के 10-11। अच्छा सुनो, मेरे पास दो नंबर है, एक तुम्हारा और एक तुम्हारे पेरेंट्स का। मैं रात को भी मैसेज भेजूंगा, हाँ, रात के 2 बजे भी मैसेज कभी कभी भेजता हूँ, हाँ। तो अगर रात को सोते वक्त ऐसे भी व्हाट्सएप नोटिफिकेशन तुम लोग बंद रखते होगे, तब भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, एक छोटा सा काम कर सकते हो, मैं मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता हूँ। अगर पेरेंट्स अगर पेरेंट्स के मोबाइल में स्पेस का भी एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं असाइनमेंट सीट भेजता हूँ, तो मेरा नंबर अगर वो डिलीट कर देंगे तो उन्हें ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं जाएगा। या वो अगर मुझे, तुम उनके फोन से मुझे मैसेज कर दो कि सर प्लीज डिलीट दिस नंबर, तो मैं नंबर डिलीट कर दूंगा ब्रॉडकास्ट से। तो अगर वो ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, मैंने देखा है, मेरी बच्ची का भी अगर कोई मेरे मोबाइल में मैसेज आता है तो मुझे लगता है कि बेटर है कि दूसरे मोबाइल में आए, क्योंकि मेरे मोबाइल में मेरे स्टूडेंट्स के मैसेज आने में ज्यादा बेटर मानता हूँ कई बार, तो ऐसा होता है, ठीक है? तो दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील, कि मैं इसे पर्सनल ईगो में नहीं लूंगा। सेकंड ये बात है कि तुम्हें कभी कभी असाइनमेंट सीट में बोलूंगा कि आज शाम को दूंगा, मगर हो सकता है नहीं बना पाऊं, आज क्लास खत्म हो जाता है, फिर कल सुबह दूंगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो एकदम मैं जब बोलता हूं, मैं एकदम, क्योंकि मैं अकेला ही हूं जो असाइनमेंट सीट भी बनाता हूं। सेकंड थर्ड केस है, मेरा असाइनमेंट सीट 100% तुम भी जानते हो प्रॉब्लम मैं नहीं बनाता हूं, इसलिए कई बार तुम्हें कॉपी पेस्ट दिखेगा, कभी इसी किताब से, कभी किसी मटेरियल से, उसके बारे में चिंता मत नहीं करो, ठीक है? सम्स को सॉल्व करो, ठीक है? मैं सम्स कहाँ से लाता हूँ उसके बारे में चिंता मत करो, ठीक है? मेरे पास सारे मटेरियल्स रहते हैं, सारे किताबें रहते हैं, यहाँ वहाँ से कट काट काट कट के एक मटेरियल बना के तुम्हारे हाथ में पकड़ा देता हूँ, ठीक है? तो मेहनत करो और मेहनत करो, डाउट पूछो, ठीक है? चलो नीचे जा रहा हूँ, किसी को लिखना है तो लिख लो। सर ये वीडियो मिल जाएगा ना सर? ये वीडियो आज वीडियो ऐप में मिल जाएगा कुछ देर के अंदर। सर गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम के सर कुछ प्रॉब्लम्स डाउट्स थे सर मेरे, भेज सकता है? भेज, आप जिनको आप निकलना है निकल सकते हो, और जिनका डाउट्स है वो थोड़ा डाउट्स भेज सकते हैं, जिनको निकलना है आप निकल सकते हो, ये नहीं है कि नहीं, रहने का जरूरत नहीं है, आराम से निकल सकते हो। सर जो सर डाउट्स भेजा था उसको फिर से रीसेट करके आपको डाउट पूछना, हाँ मुझे करना होगा, तो 7086055586 में था, क्योंकि वो उससे क्या होता है कि मेरे आईफोन से आईपैड में लेके आना मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है डाउट्स। सर लास्ट लाइन लिखना था थोड़ा, लिख लो आराम से लिखो। सर डाउट से भी बोल रही है, सर व्हाट्सएप में भेज भेजो, उससे क्या होता है मुझे आसान होता है ना लेके आना, वरना वो सब लिखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, काफी लंबा टाइम लग जाता है।
चलो सर. हाँ बोलते जा सर. लास्ट पार्ट में डाउट है, 1 प्लस t इक्वल टू 0. नहीं मैं वही तो मेरा कहना है कि जब तुम ab इज इक्वल टू ac में a को कैंसिल करते हो तो या तो पॉसिबिलिटी आएगा a इज इक्वल टू 0 नहीं तो b इज इक्वल टू c. तो इसलिए जब तुम 1 प्लस t इंटू t इज इक्वल टू 1 प्लस t को कैंसिल करते हो इंटू 1 को तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि t का वैल्यू 1 है, मगर जो चीज को तुमने कैंसिल किया वो भी तो 0 हो सकता है. समझ में? हाँ सर. ठीक है चलो सर. हाँ बोलते जा सर. गुड मॉर्निंग 5 का क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपने सॉल्यूशन. हाँ बोल. हाँ सर वो मुझे समझ में नहीं आया कैसे हुआ. 6 तो 6 का तो सॉल्यूशन नहीं भेजा है सर. नहीं सर गुड मॉर्निंग 5 का. गुड मॉर्निंग 5 का. ठीक है एक एक करके जाओ. ये 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 वाला, ये वाला क्या सर जो एरो मार्क किया हुआ है ये ना. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है तो इसमें एक चीज लिख, इसमें लिखना वो लिखा हुआ नहीं है इसलिए तुझे डाउट है कि ये हो क्या रहा है. ये कुछ नहीं है, ये एरिया को कंप्यूट किया गया है. ये टेंजेंट होने के कारण ये 90 डिग्री होगा. होगा हाँ सर. ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया. ये ज्वाइन कर देता हूं. ठीक है तो ये जो पूरा ट्रायंगल का एरिया है, मैं अगर इस रेड ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं और इस ब्लू ट्रायंगल का अगर एरिया निकाल लूं तो क्या वो पूरे ट्रायंगल का एरिया नहीं होगा? हाँ सर. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीओ होगा. एबीसी का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 5 इंटू 12. ये समझ में आया? हाँ सर. ये 5 है और ये 12 है. इस एरिया में ये बेस है नहीं क्योंकि ये 90 डिग्री है. है हाँ सर. तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तब इस ट्रायंगल का एरिया तो हाफ इनटू आर इनटू 13 और जो बच गया उसका एरिया. इसका एरिया क्या होगा? इसका हाफ इनटू 5 इनटू आर. हो गया. आया समझ में? पाइथागोरस लगा के भी आता आंसर. पाइथागोरस लगा के भी आता. हाँ सिमिलरिटी से गया ये वाला. हाँ पाइथागोरस से भी आएगा, सिमिलरिटी से भी आएगा, किसी से भी आ सकता है. ठीक है सर. मुझे भी एक डाउट है सर. ठीक सर. नंबर 8 का सर आपने लास्ट 3 डिजिट सर क्यों लिया वो समझ में नहीं आया. वो तो डिविजिबिलिटी बाय 8 का रीजन ही वही है. डिविजिबिलिटी बाय 8 बस लास्ट 3 डिजिट देखने से हो जाता है. और सर वो जैसे अगर मैं एक नंबर लिखूं ए बी सी, सपोज मैं नंबर लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या 1008 से डिविजिबल है? यस सर. हाँ डिविजिबल है. तो इसलिए एक काम करो ना, क्या तब तुम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो 1 2 3 5 6 7, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 के बदले 3 0 लिख लो प्लस 6 7 8 लिख लो, क्योंकि तब ये तो ये क्योंकि 1000 आ गया तो इसका मतलब ये किससे डिविजिबल होगा. तो केवल लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करने से आ जाता है. आया समझ में? आप सर 11 नंबर 13 का सर 13. रुक जा रुक जा, मैं तब एक काम करता हूँ. वेट अ मिनट, मैं ना जीएमपी एक बार खोल लेता हूँ. रुक जा. हाँ कौन सा जीएमपी का बोल रहे? पहले मुझे ये एक एक करके बोल. सर 5. चलो मैंने 5 खोल लिया, अब मुझे बोलो डाउट्स. बोलो सर. उसका पहला वाला 3 में है सर. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सर. रुक जाइए तो इसका सॉल्यूशन है. मुझे क्वेश्चन खोलने थे. जीएमपी 5 का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 सर. ठीक है. 3 में तू एक चीज ध्यान से देखा है, A1 A2 ही रिपीट कर रहा है. हाँ सर.
तो नॉर्मली ऐसे सम को, नॉर्मली ऐसे सम को रैशनल नंबर बना हेलो सर सर वीडियो पॉज हो गया सर। हाँ हाँ मारो, मैं बीच बीच में ये प्रॉब्लम होता है, क्लास में नहीं हुआ आज मगर अभी हुआ, खासकर जब बंदे लोग बाहर निकल रहे होते हैं तब पता नहीं है कोई सिक्योरिटी रीजन के कारण या व्हाटएवर भी तरीका। अब समझ में आया, अब बोलना इसे किससे मल्टीप्लाई करूं रिपीट करने के लिए, मतलब वो जो हम लोग वो करते थे रे, मतलब अगर मैं रैशनल नंबर बनाना चाहूं 2.343434 याद आ रहा है ना, इसे क्या करते थे? सर ने लास्ट में वो प्रॉब्लम आ गया इसे माइनस करने के बाद। तो जब तुम 100 डी करोगे तो क्या फायदा होगा ये सर? a1 a2 पॉइंट a1 a2 डॉट डॉट डॉट, तो अगर माइनस करोगे तो क्या फायदा हो जाएगा सर? a1 a2 मिल जाएगा, डेसिमल नहीं मिलेगा। 99d = a1 a2 होगा मल्टीप्लाई करना होगा कि 99 उसे कैंसिल करे, नहीं क्या? हाँ सर। अब 99 के टेबल में 198 आता। अच्छा अच्छा सर, वो ही समझ में नहीं आया सर। आया समझ में? अब सर अभी आ गया। ठीक है चलो सर, मेरा भी सर, मेरा भी हाँ, रुक जा, दो मिनट रुक जा, मैं ये मेरे इसमें एक प्रॉब्लम हो गया, क्या बोलते हैं, कौन क्वेश्चन बोल रहा है? आ गया, ठीक है विशा। अच्छा थ्री के बाद बोलो। हाँ बोलो सर, क्वेश्चन नंबर 13 में, 13 का माइनस वन कैसे मिला वो समझ में। ये फिर से वही वाली बात है, मेरे ख्याल में वही है आज जो मैंने कहा कैंसिल करने से एक जो जीरो पॉसिबल होता है। दो मिनट रुक जाओ, सम को ले आता हूं। तो जब ये तो स्टैंडर्ड ट्रिक है, हाँ तुम्हें लॉग में भी दिखेगा, नेक्स्ट क्लास भी एक सम कराऊंगा और हो सकता है आज दू भी। हाँ कि जब ऐसा 3 = देखते हो तो = KR ले लिया जाता है। तो A का वैल्यू क्या है? R टाइम्स ऑफ B प्लस C। B का वैल्यू क्या हो गया? R टाइम्स ऑफ C प्लस A। C का वैल्यू क्या हो गया? R टाइम्स ऑफ A प्लस B। तो जब तुम ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? A प्लस B प्लस C = कितना? तो ISR टाइम्स ऑफ क्या? A प्लस B प्लस C। तुम इसे जो कैंसिल करते हो तो एक पॉसिबिलिटी है ना कि A प्लस B प्लस C जीरो होगा, होगा या नहीं? Sir. और एक पॉसिबिलिटी है ट्वाइस आर का वैल्यू 1 है, तो इसलिए आर का वैल्यू कितना है? 1/2। अब अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो आर का वैल्यू क्या होगा? तुम लोग एक चीज देखो, मैथ्स में एक चीज को यूज 2-3 बार भी कर सकते हो। आर का वैल्यू क्या था देखो ना, ए बाय क्या था? बी प्लस सी। मगर अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो बी प्लस सी का वैल्यू क्या होता है? जीरो नहीं, माइनस है ना, माइनस। और ये अगर माइनस है इसमें डाल दूंगा तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस वन। माइनस वन आया समझ में? हाँ सर। सर 11 नंबर का सर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया सर। ठीक है अलेवन का
सुनने में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर आ रहा है। दो मिनट रुक जाओ। दो मिनट रुको, शेयर स्क्रीन नहीं कर पाऊंगा। अरे अच्छा सुनो, अब बोलो सुनने में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, अब दिखने दिखाई भी दे रहा होगा। अगर अभी 6 बज रहा है, अभी अगर 6 बज रहा है, 24 घंटे के बाद कितना बजेगा? 6 ही बजेगा। और 50 घंटे के बाद कितना बजेगा? सर 8। तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, क्या तुमने 6+50 किया या तुमने 24 से डिवाइड करके रिमाइंडर को यूज किया? 24 से डिवाइड करके रिमाइंडर, 24 से बस यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है। तुम्हें ये देखना है कि बंदा जब कैलकुलेट कर रहा है तो थंब उसे कब कब मिल रहा है। उसने थंब से शुरू किया, उसे फर्स्ट बार मिलेगा, फिर 1, 2, 3, 4, फिर जब बैक काउंटिंग कर रहा है, द कॉलिंग थंब 1, ये 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, देन रिवर्स द डायरेक्शन, ये 6, ये 7, इंडेक्स 8, फिर से थंब क्या आएगा? 9th राउंड में मिलेगा। हाँ। तो ये कितने का डिफरेंस है? 8 का सर। तो फिर कब मिलेगा? 17th। अब छोड़ दो जिसका डाउट है, तो मुझे क्या करना होगा, मैं 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लूंगा। हाँ। जो रिमाइंडर में 1, 2, 3 है तो वो वाला लगा दो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा था। ठीक है, कुछ और किसी का? सर हाँ सर, इसमें इंडेक्स का अगर पैटर्न देखने जाए तो वो एपी सीरीज में नहीं आता। एग्जैक्टली वही तो है, एपी तो बन रहा है, एपी में ही आ रहा है। हाँ, टर्म्स निकाल लो, उससे भी हो जाएगा, मगर नॉर्मली डिविजिबिलिटी भी सोच सकते हो, जैसे भी सोचना है। अरे आंसर से मतलब है, जैसे भी आ जाए ठीक है। आगे चलूं? हाँ सर। तो हो गया, छोड़ दो। देखो यार, नीट एंड क्लीन कुछ भी मेरे यहाँ पे नहीं करना है। सबमिट करने के लिए अब तुम लोगों को जो सीट दिया जाएगा उसका नाम अलग होगा, दैट इज नोन एज TBS सीट, टू बी सबमिटेड सीट, या KYU, नो योर अंडरस्टैंडिंग। केवल वही सीट को सबमिट करना होगा, बाकी अब चीजों को तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि देखो तुम लोग सब कुछ कर रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, मगर मेरे पास क्योंकि तुम मैथ्स सीखने के लिए आए हो तो मैं खूब समझ देता हूँ। अब वो डिपेंड करता है कि तुम लोग कितना ज्यादा समझ करोगे, तो इसलिए उसे किसी नीट कॉपी में करने का जरूरत नहीं, कोई एक रफ कॉपी लो उसमें आराम से करते जाओ। ठीक है चलो। ओके सर, चलो मैं ठीक है, तुम बोलते जा। सर आज का केवाईयू शीट्स मिलेगा वो एकदम लॉगरिथम खत्म होने के बाद? नहीं नहीं नहीं, जब मैं टॉप अप शीट बनाऊंगा तो उसका टॉप अप शीट का दूंगा। हाँ हाँ, और आज एक तुम लोगों को स्पेशल DPP मिलेगा डोमेन का। ठीक है चलो। ठीक है सर, थैंक यू सर।